हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है गड्ढालाकोंडा गणेश। गड्ढालाकोंडा गणेश फिल्म के रिगार्डिंग में सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, प्री प्रोडक्शन, फिल्मिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत, कहानी के ऊपर चर्चा, तो इसके अलावा ओवरऑल पूरे मूवी का रिव्यू, सभी कैरेक्टर के ऊपर हम डिटेलिंग देंगे। साथ ही में इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है कौन से सेटेलाइट चैनल पर, कौन से OTT चैनल पर देखने को मिलेगा, उसका जो ओरिजिनल वर्जन, किस फिल्म का ये रीमेक है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही में इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है कहां पे फ्री में सैटेलाइट पे देखने को मिलेगा, यूट्यूब पे कहां पे देखने को मिलेगा, साथ ही में कब तक देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये फिल्म OTT के और कोई चैनल पे हिंदी डब में आएगी या नहीं आएगी उसके ऊपर हम डिटेलिंग देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहें। गड्ढालाकोंडा गणेश जो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म को पहले नाम दिया गया था वाल्मीकि, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज के चलते फिर से बाद में गड्ढालाकोंडा गणेश नाम देकर फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था। सेम सिचुएशन हिंदी वर्जन में भी आई हुई थी, जहां पे गड्ढालाकोंडा गणेश के नाम से इस फिल्म को जब तेलुगु में रिलीज किया गया उसके बाद हिंदी डब वर्जन के राइट सोल्ड आउट किए थे गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने, जिन्होंने फिल्म की डबिंग वाल्मीकि के नाम से कंप्लीट करवाई हुई थी। और ये फिल्म वो जल्दी वाल्मीकि के नाम से उनके टेलीविजन चैनल ढिंचाक पे प्रीमियर करवाने वाले थे, जहां पे 6 मार्च 2022 को रात को 8 बजे के टाइम पे वो ढिंचाक टेलीविज़न चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले थे। और जहां पे उस फिल्म का नाम रखा गया था वाल्मीकि, लेकिन हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि के नाम से थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जिस वजह से फिल्म को फिर से सेंसर करवा के गड्ढालाकोंडा गणेश के नाम से अब टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाने वाले, जहाँ पे टेलीविज़न प्रीमियर डेट सेम है, यानी कि ये फिल्म आपको ढिंचाक टेलीविज़न चैनल पे रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे 6 मार्च को देखने को मिलेगी। गड्ढालाकोंडा गणेश के नाम से सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी पूरा कंटेंट सेम है। तो ये फिल्म आपको गड्ढालाकोंडा गणेश के नाम से 6 मार्च को रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी। जिसकी वजह से अब इस फिल्म का जो नाम चेंज हुआ है, तो कुछ डायलॉग में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। गड्डलकोंडा गन इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में एक एक्शन कॉमेडी के तौर पे रिलीज़ किया गया था, जहां पे फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था हरीश शंकर ने। स्क्रीन प्ले था वो मधु श्रीनिवास और मिथुन चैतन्य ने क्रिएट किया हुआ था, जहां पे गड्डलकोंडा गणेश फिल्म 2014 की तमिल लैंग्वेज जिगरथंडा का ऑफिशियल रीमेक वर्जन है। इस फिल्म का एक और रीमेक वर्जन है जिसको नाम दिया हुआ है बच्चन पांडे, जिसको अक्षय कुमार और कृति सेनन के साथ बनाया गया है हिंदी वर्जन में, जो 18 मार्च से थिएटर में लगने वाली है। तो इस तरह से इससे पहले इस फिल्म का जो तेलुगु रीमेक है उसके हिंदी राइट्स खरीद कर डब करवाकर गोलमाइंस वाले इस फिल्म को 6 मार्च को रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचैक टेलीविजन चैनल पे प्रीमियर करवा देंगे, जिस वजह से इस फिल्म की अच्छी खासी कंपटीशन होगी अक्षय कुमार स्टारर बच्चन पांडे से। बच्चन पांडे को थोड़ा बहुत लॉस उठाना पड़ेगा क्योंकि ये फिल्म हिंदी में पहले आ जाएगी, क्योंकि गड्डलकोंडा गणेश में चेंजेस ज़रूर देखने को मिलते हैं जिगरथंडा के मुकाबले, लेकिन वो तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए, जिस तरह से हिंदी वर्जन में भी बॉलीवुड की रिगार्डिंग जो चेंजेस होते हैं वो करके देने वाले फिल्म में। तो सेम वे में ऐसा किया हुआ है, लेकिन जो बेसिक कोर पॉइंट है वो सेम है, जिस वजह से गड्डलकोंडा गणेश अगर आप फिल्म देख लेते हो तो बच्चन पांडे देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब बात करें जिगरथंडा की, तो वो 2014 की फिल्म थी, तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन वो फिल्म भी कोई प्रॉपर ओरिजिनल नहीं है। ये डर्टी कार्निवल करके एक साउथ कोरियन फिल्म थी जो 2006 में रिलीज़ की गई थी, उस फिल्म से इस फिल्म का इंस्पिरेशन है। यानी कि जो साउथ कोरियन फिल्म है अ डर्टी कार्निवल, उससे इंस्पायर्ड होकर जिगरथंडा बनाई गई है। हाँ, जिगरथंडा में काफ़ी सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो तमिल नेटिविटी है उसके हिसाब से काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए। अब बात कर लेते हैं गड्डलकोंडा गणेश के बारे में, जहाँ पे इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स है वो है राम अचंटा और गोपी अचंटा, जिन्होंने इस फिल्म को 14 रील्स प्लस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों किया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जहाँ पे इस फिल्म के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के उसके ऊपर बात करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुए एंक्स का बोस ने, एडिटिंग की हुए छोटा के प्रसाद ने, म्यूजिक दिया हुआ मिकी जे मेयर ने, और इस फिल्म को 20 सितंबर 2019 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जहां पे 25 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 42 करोड़ और 50 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया होता, जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, जिसको करीबन 172 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था। जहां पे इस फिल्म का एक्शन थ्रिलर जोनर को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट दिया गया था, और इस फिल्म को IMDb पे 6.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था, और IMDb पे करीबन 1100 वोट किए गए थे। तो इस तरह से इस टाइप की सिचुएशन के हिसाब से फिल्म को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे वाल्मीकि के नाम से चेंज कर इस फिल्म को गड्डलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था। कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज और लीगल डिस्प्यूट के चलते फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा था, उसके बावजूद फिल्म अच्छा खासा एक मार्केट ले गई और फिल्म ने एक हिट का टैग ले लिया था। तो इस तरह से फिल्म को बनाकर रिलीज़ किया गया था, जहां पे 20 सितंबर 2019 को फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला था। कास्टिंग की बात करें तो वरुण तेज, अथर्व, पूजा हेगड़े, मृणालिनी रवि, सुप्रिया पाठक लीड रोल में देखने को मिलेंगे। ब्रह्मा जी, प्रदीप सरस्वती, देवी प्रसाद, सुब्बराजू, अन्नपूर्णा, तनिकेला भरानी, सत्या, राज रविंद्रन, रघुबाबू, प्रभा श्रीनु, शत्रु, अप्पाजी, अंबारिसा दरभा, ब्रह्मानंदम का एक कैमियो अपीयरेंस है, नितिन, सुकुमार, इनका भी कैमियो अपीयरेंस है। साथ ही में डिम्पल हयाती का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा जरा जरा सॉन्ग में। तो ये बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट में काम करते हुए नजर आएंगे। तो इतने एक्टर्स है जिन्होंने फिल्म में कुछ मुख्य किरदार निभाए हुए हैं। अब वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं उसके ऊपर मैं आपको बाद में डिटेलिंग दूंगा। प्रोडक्शन के ऊपर की बात करें तो 26 जनवरी 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। दिलराजू सुकुमार को बुलाया गया था लॉन्च इवेंट पे, और इसका लॉन्च इवेंट करा गया था रामानायडू फिल्म स्टूडियो हैदराबाद में। फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया गया था फरवरी 2019 में, जहां पे अथर्वा जो फिल्म के सेकंड लीड एक्टर है उन्होंने इस फिल्म को ज्वाइन किया हुआ था मार्च 2019 में। बाद में फिल्म में थोड़े बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ पूजा हेगड़े को कंफर्म किया गया, जिनको जुलाई में कंफर्म किया गया था और जुलाई में उन्होंने सेट ज्वाइन किया हुआ था। मिकी जे मेयर जो इस फिल्म का म्यूजिक देते हुए नजर आएंगे आपको, इससे पहले इस फिल्म का म्यूजिक का कमान दिया गया था देवी श्री प्रसाद, लेकिन इनिशियल अनाउंस के तौर पर इनका नाम लिया गया था, लेकिन बाद में मिकी जे मेयर को लाया गया था क्योंकि देवीश्री प्रसाद के पास ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट थे, जिस वजह से वो इस प्रोजेक्ट पे उतना ध्यान नहीं दे पाए थे, जिस वजह से जो डेट इश्यू थे उसके चलते मिकी जे मेयर के पास इस फिल्म का म्यूजिक चला गया था। अब इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बात करें तो फिल्म में टोटल 4 गानों को कंपोज किया गया है, जिसकी लेंथ है 13 मिनट 10 सेकंड और इसको लेबल किया गया है सोनी म्यूजिक और सारेगामा के नीचे, जहाँ पे सारेगामा वालों ने इल्लू वच्ची गोदरम्मा वाला गाना है वो लेबल किया हुआ है, बाकी 3 गाने हैं वो सोनी म्यूजिक के पास है। अब इस फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसको रिकॉर्ड किया गया था 2019 में और इन 2 लेबल्स के नीचे इन 4 गानों को रिलीज़ किया गया था, जिसमें से 3 गाने सोनी म्यूजिक के पास है और एक गाने सारेगामा के पास है। और इसको 5 सितंबर 2019 में रिलीज़ किया गया था, जहां पे पहला गाना जर्रा जर्रा, जिसमें डिम्पल हयाती का एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है, उसके लिरिक्स लिखे हुए भास्करा भारती, रवि कुमार, जिसके सिंगर है अनुराग कुलकर्णी और उमा स्नेहा। इस गाने की लेंथ है 3 मिनट 1 सेकंड। दूसरा गाना गगन्ना विधि लो, जिसके लिरिक्स लिखे हुए वानमली ने, सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी और श्वेता सुब्रमण्यम और इसके गाने की लेंथ है 3 मिनट 15 सेकंड। तीसरा गाना वक्का वक्का, जिसके लिरिक्स लिखे हुए है चंद्रा बोस और सिंगर है अनुराग कुलकर्णी, मिकी जे मेयर, गाने की लेंथ थी 3 मिनट 27 सेकंड। चौथा गाना इलुवच्ची गोदरम्मा, इस गाने को लेबल किया हुआ है सारेगामा ने। इसका एक रीज़न है, ये ओरिजिनल गाना नहीं है। येलुवच्ची करके एक गाना आया हुआ था 1982 में देवता फिल्म से, जो तेलुगु वर्जन की फिल्म थी, तो उस फिल्म का वो गाना था, उसको रिक्रिएट करके रिमिक्स करके बनाया गया था, जिस वजह से इसका लेबल है सारेगामा और इसको कंपोज किया हुआ था मिकी जे मेयर ने और लिरिक्स है वो लिखे हुए वेट्टूरी सुंदरम्मा मूर्ति ने। सिंगर की बात करें तो एसपी बाला सुब्रमण्यम और पी सुशीला, इन दोनों ने मिलकर इलुवच्ची गोदरम्मा गाने को गाया हुआ था, जिसकी लेंथ थी 3 मिनट 27 सेकंड। तो इस तरह से 4 गानों की जो टोटल लेंथ निकल के आई हुई है वो है 13 मिनट 10 सेकंड। तो इस तरह से फुल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक को रिलीज़ किया गया था 5 सितंबर 2019 को। तो इस साउंड ट्रैक के ऊपर मैंने आपको डिटेलिंग दे दी है। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज के ऊपर। तो वाल्मीकि नाम से इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, कुछ दिनों के बाद फिल्म के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई इस नाम को लेकर, क्योंकि वाल्मीकि के नाम से एक संत आए हुए थे, तो उनको एक नेगेटिव शेड में फिल्म में दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है। उनके नाम को यूज़ करना थोड़ा लोगों में खटक रहा था, जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग एक केस दर्ज हुआ था आंध्र प्रदेश में अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तभी प्रोटेस्ट किया गया था इस फिल्म के रिगार्डिंग, क्योंकि पहले ही नाम अनाउंस हो चुका था, जिस वजह से इस फिल्म ने के जो कम्युनिटी है उन्होंने फिल्म के क्रू मेंबर के ऊपर अटैक करवाया हुआ था और उसके बाद में फिल्म की शूटिंग भी आधे में रोक दी गई थी। तो इतना कुछ होने के बाद फिल्म के जो शूटिंग स्टार्ट करने के लिए फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा, जिसको नाम दिया गया बाद में गड्ढलकोंडा गणेश। और जब रिलीज़ के बारी आई तब फिल्म को नाम चेंज करके रिलीज़ किया गया, जहाँ पे सितंबर 2019 में तेलंगाना हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी, जहाँ पे आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना कोर्ट में इसकी पिटीशन के थ्रू वाल्मीकि से इस फिल्म को नाम दिया गया गड्ढलकोंडा गणेश, जिस वजह से फिल्म के रिलीज़ के 6 घंटे पहले इस फिल्म का नाम गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था, चेंज किया गया था, जिस वजह से इस फिल्म को वाल्मीकि की जगह गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था। मार्केटिंग रिलीज़ की बात करें तो जून 2019 में 14 रील्स प्लस के द्वारा इस फिल्म का फ्री टीज़र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करवाया गया था। 15 अगस्त 2019 को टीम के थ्रू इस फिल्म का टीज़र रिलीज़ किया गया था और उसके बाद में प्रोमोटिंग फिल्म के जो सिंगल्स थे एल्बम में से एक के बाद एक प्रोमोट के लिए रिलीज़ किए गए थे। फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर है उसको 14 रील प्लस के यूट्यूब चैनल पे अनवील किया गया था 9 सितंबर 2019 को। फिल्म को शेड्यूल किया गया था 13 सितंबर 2019 को रिलीज़ करने के लिए, लेकिन नानी स्टार और गैंग लीडर फिल्म थी, उसके साथ ये फिल्म क्लेश हो रही थी, जिस वजह से फिल्म को बाद में 1 वीक पोस्टपोन करना पड़ा और उसके बाद फिल्म को 20 सितंबर 2019 को फाइनली रिलीज़ किया गया था, जहां पे फिल्म करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ रिलीज़ की गई थी और बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन करके दिखा दिया था। इसी के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट का टैग ले गई थी। इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए हुए थे गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स ने, जिन्होंने रिलीज़ के वक्त ही फिल्म के राइट्स खरीद लिए थे और बाद में फिल्म को उन्होंने डब करवा दिया और उसके बाद अब वो ढिंचाक चैनल पर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले, जहाँ पे 6 मार्च 2022 को रात को 8 बजे के टाइम पर रविवार के दिन इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज करने वाले। इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि नाम दिया गया था, लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया। इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया था तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, जहां पे क्रिटिक्स ने वरुण तेज की परफॉर्मेंस काफ़ी सराहना की गई थी। वो अभी तक एक चॉकलेट बॉय वाला किरदार प्ले करते हुए नज़र आ रहे थे, सॉफ्ट बॉय का किरदार प्ले कर रहे थे, अचानक एक गैंगस्टर में ट्रांसफॉर्मेशन वाला रोल देखने को मिला। वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया था। फिल्म में कुछ कॉमेडी थी जो लोगों को थोड़ी ज़्यादा फोर्स की हुई नज़र आ रही थी, जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़े मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर एक बढ़िया हिट का टैग ले गई थी। इस फिल्म ने जिस फिल्म का रीमेक किया हुआ है यानी कि जिगर ठंडा, उसके बारे में बात करें तो जिगर ठंडा, जिसका मीनिंग होता है कोल्ड हार्टेड, जो 2014 की तमिल लैंग्वेज एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कार्तिक सुब्बराज ने। ये फिल्म अ डर्टी कार्निवल से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म का काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में डब वर्जन निकल चुका है और रीमेक वर्जन भी निकल चुका है, जहाँ पे तेलुगु डब वर्जन 2016 में चिकड्डू दुक्कडू के नाम से रिलीज़ किया गया था। साथ ही में कन्नडा में रीमेक किया गया था सेम टाइटल के साथ 2016 में। उसके बाद 2019 में गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था। उसी के साथ हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से 2022 में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म आने वाली है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ कार्तिक सुब्बराज ने। स्टोरी आइडिया, स्क्रीन प्ले, वो सभी चीज़ें भी उनकी ही थी। प्रोड्यूसर्स काथिरेसन ने इस फिल्म को SMS पिक्चर्स सॉरी ग्रुप कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था और SMS पिक्चर और कल संगम फिल्म्स के नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको सिद्धार्थ, बॉबी सिम्हा और लक्ष्मी मेनन देखने को मिले होंगे। उनके अलावा करुणाकरण, गुरु सोम सुंदरन, आदुकलाम नरेन, सौंदरराजन, रामचंद्र दुराईराज, सेंथिल कुमारन, सांगिली मुरुगन, बाला सिंह, थेनावल, दिल्ली गणेश, सुधा जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिले होंगे। इस फिल्म को डेवलप किया गया था 2013 में अनाउंस किया गया था। उसके बाद में फिल्म को एक के बाद एक चीज़ अनाउंस की गई थी, कास्टिंग भी तभी की गई थी और उसके बाद फिल्म की 21 नवंबर 2013 तक प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी और उसके बाद में फिल्म को 2014 एंड तक कंप्लीट करवा लिया गया था। और उसके बाद इस फिल्म में जो गाने को कंपोज किया गया था वो टोटल गाने थे 9, जहाँ पे 9 बैकग्राउंड स्कोर थे। इसके अलावा 5 टोटल सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे फिल्म का जो साउंड ट्रैक है वो बढ़िया तरीके से हिट साबित हुआ था और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी काफ़ी सारा सराहना मिली थी। रिलीज़ के बाद फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस दोनों की तरफ से हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और उसके बाद इस फिल्म को जब बाहर देश रिलीज़ किया गया वहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था। कुछ चीज़ों के चलते फिल्म ज़रूर डिले हुई थी रिलीज़ के वक्त, लेकिन उसके बाद जब एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिस वजह से फिल्म लोगों को काफ़ी सारी पसंद आई थी। जिगर ठंडा फिल्म के जो तमिल सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए थे स्टार विजय ने, यानी कि स्टार विजय के चैनल पर फिल्म आपको टेलीविज़न पर तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी। और इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो है Disney+ Hotstar के पास, जिन्होंने जिगर ठंडा फिल्म को सेम नाम के साथ वहाँ पर अवेलेबल करवाया हुआ है विथ इंग्लिश सबटाइटल, और वो फिल्म आप बिल्कुल फ्री में वहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से इस फिल्म को सभी प्लेटफॉर्म पे ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ है। इस फिल्म ने करीबन 25 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड रन लिया था, तब उस टाइम में 46 करोड़ के आसपास 2014 में ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और एक 2014 की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी, जिस वजह से जिगर ठंडा फिल्म एक अच्छी खासी क्लासिकल कल्ट क्लासिक फिल्म में शामिल हो गई थी, जहां पे मीडियम स्टार कास्ट के साथ भी फिल्म अच्छा खासा वर्क कर गई थी। जिगर ठंडा फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन राइट है वो भी बेच दिए गए थे, जिसको खरीदा हुआ था SN मीडिया ने। फिल्म की डबिंग भी उन्होंने 2019 तक शायद कंप्लीट करवा ली थी। SPM Arts यानी कि SN मीडिया, जिन्होंने फिल्म को सेम नाम से सेंसर बोर्ड की तरफ से हिंदी डब वर्जन में सेंसर सर्टिफिकेट भी करवा लिया था और ये फिल्म टेलीविज़न प्रीमियर के लिए तैयार थी, लेकिन तभी फिल्म के रीमेक राइट्स हिंदी में बेच दिए गए। बच्चन पांडे के नाम से जो 2022 में आपको रीमेक देखने को मिल रहा है, उसी की वजह से जिगर ठंडा फिल्म की हिंदी डब वर्जन को रिलीज़ रोक दी गई थी। बच्चन पांडे के मेकर्स ने जिगर ठंडा के मेकर्स को इस फिल्म को डब वर्जन में रिलीज़ करने के लिए मना किया गया, जिस वजह से SN मीडिया ने उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए फिल्म को पोस्टपोन पे रखा हुआ है। अब जब बच्चन पांडे 18 मार्च को रिलीज हो जाएगी, उसके बाद OTT पे अवेलेबल हो जाएगी। बाद में इस फिल्म को जिगरथंडा फिल्म को हिंदी डब वर्जन में टेलीविजन और यूट्यूब पे अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो गडलकोंडा गणेश है वो एक और रीमेक है, वो गोलमाइंस वालों ने डब करवा के अब रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है, जो आपको 6 मार्च को रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे सेम नाम के साथ ढिंगचा चैनल पे देखने को मिलेगी। उसके बाद ज़रूर यूट्यूब चैनल पे वो फिल्म प्रीमियर नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि ढिंचैक पे होने वाली फिल्में प्रीमियर होने वाली फिल्में गोलमाइंस वाले तुरंत प्रीमियर नहीं करवाते हैं। गड्ढलकोंडा गणेश फिल्म के जो लीड एक्टर्स है, जो कास्टिंग है, उसमें कौन से कैरेक्टर ने क्या रोल प्ले किया था उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। वरुण तेज जो गनी के रोल में दिखाई देते हैं, जिसका पूरा नाम है गड्ढलकोंडा गणेश अथर्वा, जिन्होंने अभिलाष यानी कि अभी का रोल प्ले किया हुआ है। पूजा हेगड़े जो श्रीदेवी यानी कि देवी के रोल में दिखाई देती है। मृणालिनी रवि जिन्होंने बुजम्मा का रोल प्ले किया हुआ है। सुप्रिया पाठक जो गड्ढलकोंडा गणेश की मां के रोल में दिखाई देती है। ब्रह्मा जी जिन्होंने मुनि माणिक्यम के एक एक्टिंग कोच का रोल प्ले किया हुआ है। प्रदीप जो अभी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं। सरस्वती जो अभी की मां के रोल में दिखाई देती है। देवी प्रसाद जिन्होंने अभी के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है। सुब्बा राजू जिन्होंने प्रभाकर के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है। अन्नपूर्णा जो गनी की सेफ के रोल में दिखाई देते हैं। दानिकेला भरानी जिन्होंने थिएटर ऑपरेटर का रोल प्ले किया हुआ है। सत्या जिन्होंने चिंतकाई यानी कि अभिलाष के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। राजा रविंद्र जिन्होंने नलमुद्दू बाबजी का रोल प्ले किया हुआ है। रघु बाबू जिन्होंने फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा प्रभा श्रीनु जो आपको बलिया के रोल में दिखाई देंगे। शत्रु जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है। अप्पा जी अंबारीसा दरबा जो श्रीदेवी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं। ब्रह्मानंदम नितिन सुकुमार इनका एक गेस्ट अपीयरेंस कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलेगा। डिम्पल हयाती जरा जरा सॉन्ग में आइटम नंबर दिखाती हुई नजर आएंगी, अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएंगी। तो इस तरह से इन सभी आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है, इन सभी कैरेक्टर को उन्होंने निभाया हुआ था। स्टोरी की बात करें तो अभिलाष यानी कि अथर्वा एक अपकमिंग डायरेक्टर है, जो एक बड़ी फिल्म बनाना चाहते हैं विथ एनी कॉस्ट, और इसके लिए वो डिसाइड करते वो एक क्रिमिनल बेस्ड फिल्म बनाएंगे और उसके लिए एक कहानी के रिसर्च में निकल पड़ते हैं। और उनका सामना होता है गड्ढलकोंडा गणेश यानी कि वरुण तेज से, जो एक ब्रूटल क्रिमिनल है। और उनके बारे में जानने के बाद वो फिक्स करते हैं कि उनके ऊपर एक फिल्म बनाएंगे, उनके नज़दीक जाकर उनके बारे में जानेंगे और साथ ही में कहानी के ऊपर पूरी डिटेलिंग लेंगे और इस फिल्म को वो डायरेक्ट करेंगे। लेकिन एक पॉइंट के बाद वो सभी चीज़ें वो गड्ढलकोंडा गणेश के सामने रिवील करता है। गड्ढलकोंडा गणेश इस फिल्म के बनाने के लिए राजी तो हो जाते, अपनी फिल्म अपनी लाइफ की कहानी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए राजी तो हो जाते, लेकिन वहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जहाँ पे गणेश डिमांड करता है कि वो इस फिल्म में हीरो का रोल प्ले करेगा। तो अब बाकी की कहानी यही है कि अभिलाष किस तरह से इस डेडली गैंगस्टर को हैंडल करता है, फिल्म को किस तरह से फिनिश करता है, वो सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी बनाई गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि हरीश शंकर जिन्होंने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है, उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी एक्टर्स को यूज़ किया हुआ था। जिस तरह से वरुण तेज के किरदार को उन्होंने शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी सुपर मैनर में उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। फिल्म में एक गैंगस्टर का लुक, उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस उनके पास बेहतरीन वे में निकलवाई हुई थी। उनकी जो चेंजेस देखने को मिलते हैं डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज में, उसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी। साथ ही में फिल्म में कुछ बेसिक इमोशंस की थोड़ी बहुत आपको कमी नजर आएंगी। कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थोड़ा वीक नजर आएगा। फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंथी नजर आएगा। थोड़ी जगह पर हरिशंकर आपको अपनी ग्रिप लूज होते हुए नजर आएंगे प्रोसीडिंग के टाइम सेकंड हाफ में। लेकिन बाकी जो एक अच्छा एलिमेंट होना चाहिए, गुड मास एलिमेंट, फनी एलिमेंट, वो सभी चीज़ें वो भरपूर तरह एड करते हुए नज़र आते हैं। इस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से वरुण तेज को एक मेकओवर किया हुआ था, उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सॉफ्ट गाय से एक हार्डकोर क्रिमिनल के रूप में, वो बेहतरीन था। उसी वजह से फिल्म पूरी तरह से एंगेजिंग नजर आती है। फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे, वीटी डायलॉग्स सुनने को मिलते, कुछ कॉमेडी पंचेस थे, वन लाइनर्स थे, उसको बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था। हरीश शंकर ने ओवरऑल वरुण के किरदार को अच्छी तरह से लिखा हुआ था। उनकी डायलॉग डिलीवरी सुपर्ब थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज अमेजिंग थी। अथर्वा मुरली जो आपको एक डिसेंट डेब्यू करते हुए नजर आएंगे, उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम निभाया हुआ है। उन्होंने मिकी जे मेयर के उन्होंने जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है एक डायरेक्टर, अपकमिंग डायरेक्टर के रोल में, उसमें वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे। अपने परफॉर्मेंस के साथ वो फिल्म में एक अलग इम्पैक्ट छोड़ते हुए नजर आते हैं। मिकी जे मेयर जिनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी टॉप नॉच वाला था, उन्होंने बढ़िया तरीके से फिल्म को सपोर्ट का हो ऐसा बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था। फिल्म का जो माहौल है, जो जोनर है, उसके हिसाब से बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट हुआ था, जो फिल्म को एक अलग लेवल पे एलिवेट करने में कामयाब हो रहा था। इस फिल्म में कॉमेडियन सत्या आपको देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपना रोल काफ़ी हिलेरियस वे में निभाया हुआ है। उन्होंने जिस तरह से अपनी कॉमेडी सीक्वेंस को डिलीवर किया हुआ है वो सुपर पंचेस आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ब्रह्मा जी जो टीचर के रोल में काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम करते हुए नजर आते हैं, उन्होंने क्रूशल पॉइंट पे अपना काम दिखाया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया है। फिल्म के क्रूशल पॉइंट पे उनका रोल आता है और वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहती है। उन्होंने जितने भी वन लाइनर्स डिलीवर किए हुए, अपने कॉमिक पंचेस को कॉमिक टाइमिंग जिस तरह से डिलीवर किए हुए, वो काफ़ी बढ़िया थी। वो फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट्स देने में कामयाब रहती है, वहाँ पर आप ज़रूर हंस पड़ोगे। पूजा हेगड़े फिल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी, देखने में काफ़ी गोर्जियस और सिंपल नज़र आ रही थी। वो श्रीदेवी का रोल प्ले कर रही है। फिल्म में उनका रोल जितनी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना जो वक्त है वो ऐड किया हुआ था। अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू उन्होंने अपना टैलेंट ज़रूर दिखाया हुआ था। हाँ, उनका एक गेस्ट रोल बोल सकते हैं, रोल छोटा था, लेकिन जितना भी काम था उसमें वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी। सुप्रिया पाठक जो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने माँ का रोल प्ले करते हुए नजर आती है। राजा रवि को एक अच्छा रोल मिला हुआ था, अपने अच्छे रोल के साथ वो एक नीट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते। फर्स्ट हाफ को बढ़िया तरीके से स्टेब्लिश किया हुआ था डायरेक्टर ने, जहाँ पे वरुण के किरदार को अच्छी तरह से एक रेटेड क्रिमिनल के तौर पे हमारे सामने पेश किया हुआ था। वहाँ पे बढ़िया मसाला एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में उन सभी सीक्वेंस के साथ अच्छी अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिलती है। इस फिल्म को तेलुगु वर्जन के हिसाब से तमिल वर्जन से थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए नज़र आएंगे, जहाँ पे कुछ कॉमेडी सीक्वेंस है, कुछ चीज़ें जो फिल्म को अलग करी हुई है, जो तेलुगु नेटिविटी है उस हिसाब से चेंज किया हुआ है, लेकिन वो सभी चीज़ें अच्छे वे में जाती है। इस फिल्म की लेंथ थोड़ी ज़रूर बड़ी है, जहाँ पे हरीश शंकर फिल्म को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन उसको इस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम ले लेते। इसके बाद सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें, उसकी प्रोसीडिंग बढ़िया नहीं थी, इमोशंस की कमी थी, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे क्लाइमैक्स में जिस तरह से ऐड की हुई थी वो फोर्सफुल ऐड की हो ऐसा नज़र आ रहा था। पूजा हेगड़े का जो ट्रैक है वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन सीन्स थे, लेकिन उन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी ऐसा नज़र आ रहा था। उसे आसानी से क्रिस्प किया जा सकता था। अथर्व और वरुण तेज के बीच में जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन थे को और एंटरटेनिंग मैनर में दिखाया जा सकता था, तो एक दो चीज़ें उसको सुधारा जा सकता था। ओवरऑल फिल्म में जो मास एलिमेंट है, वरुण तेज का जो मेकओवर है, जो फिल्म की स्टोरी लाइन है, जो इंटरवल ब्लॉक है, जो कॉमेडी सीक्वेंस है, इन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने काफ़ी बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ है। तो गड्ढलकोंडा गणेश फिल्म एक अच्छी मास ड्रामा फिल्म है, जहाँ पर बढ़िया तरीके से आपको मास एलिमेंट्स के थ्रू एक प्रोसीडिंग देखने को मिलती है, जो परफॉर्मेंसेस है वो शानदार देखने को मिलती है। जिस तरह से ये जो कैरेक्टर बनाए हुए वो बढ़िया है, सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलती है, बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिलते हैं। इसके अलावा एडिटिंग को थोड़ा कम किया जा सकता था, फिल्म को 15-20 मिनट छोटा किया जा सकता था। ओवरऑल फिल्म की एडिटिंग भी बढ़िया है, प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छी थी, फिल्म के लिरिक्स अच्छे थे, डायलॉग्स बढ़िया थे, साथ ही में जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफ़ी टॉप नॉच की थी, जिस वजह से स्क्रीन में हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी। तो ये ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है जिसे ज़रूर देखा जा सकता है। अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन ज़रूर फुलफिल हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है। ये रीमेक ज़रूर है, लेकिन एक अच्छा रीमेक है जिसे ज़रूर देख सकते हो। तो इस फिल्म को अगर आप तेलुगु वर्जन में देखना चाहते हो तो गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से इसको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल करवाया हुआ है, जहाँ पर इस फिल्म को आप ज़रूर इंजॉय कर पाओगे। गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने उनकी वेबसाइट पे इस फिल्म को विद इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको विदाउट सब्सक्रिप्शन ये फिल्म तेलुगु वर्जन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है जिगरथंडा, वो भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने ही खरीदा हुआ है, और वो जिगरथंडा फिल्म भी तमिल वर्जन में अवेलेबल की हुई डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, जहाँ पे विद इंग्लिश सबटाइटल वो फिल्म भी आप इंजॉय कर पाओगे। तो गड्ढलकोंडा गणेश और जिगरथंडा दोनों तमिल और तेलुगु वर्जन आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे विद इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे। जहाँ पे अब बात करें हिंदी डब वर्जन की, तो फिल्म को पहले तो वाल्मीकि के नाम से डब करके रिलीज करने वाले थे, लेकिन अब नाम फिर से चेंज हो चुका है जिसको ओरिजिनल नाम दे दिया गया है गड्ढलकोंडा गणेश। अब गोलमाइंस वालों ने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए हैं और उन्होंने ही इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स भी खरीदे हुए हैं। तो ये फिल्म आपको पहले सैटेलाइट चैनल ढिंचाक पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे फिल्म का जो पहला वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर है वो है 6 मार्च रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक टेलीविजन चैनल पे सेम नाम के साथ। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि गड्ढलकोंडा व गणेश का पहला हिंदी डब वर्जन टेलीविजन प्रीमियर 6 मार्च 2022 रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक चैनल पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद इस फिल्म का यूट्यूब प्रीमियर ज़रूर होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। इस फिल्म का यूट्यूब प्रीमियर करीबन काफ़ी समय के बाद, क्योंकि ढिंचाक पे प्रीमियर होने वाली फिल्में गोलमाइंस वाले तुरंत उनके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल नहीं करवाते हैं, लेकिन जब कभी भी इस फिल्म का ऑफिशियल यूट्यूब प्रीमियर होगा तो वो गोलमाइंस के ही चैनल पर करवाया जाएगा, जहाँ पर ये फिल्म आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा सैटेलाइट चैनल ढिंचाक के ऊपर इस फिल्म को बारी बारी से प्रीमियर करवाने ही वाले, जहाँ पे इस फिल्म को आप ज़रूर एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से सभी वर्जन यानी कि तमिल, तेलुगू, हिंदी डब और साथ ही में हिंदी वर्जन जो बच्चन पांडे नाम से 18 मार्च को आ रहा है, इन सभी तरह के जिस तरह से मैंने बताया उन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख सकोगे। गड्ढलकोंडा गणेश जो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, इस फिल्म को पहले नाम दिया गया था वाल्मीकि, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज के चलते फिर से बाद में गड्ढलकोंडा गणेश नाम देकर फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था। सेम सिचुएशन हिंदी वर्जन में भी आई हुई थी, जहाँ पे गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से इस फिल्म को जब तेलुगु में रिलीज किया गया, उसके बाद हिंदी डब वर्जन के राइट सोल्ड आउट किए थे गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने, जिन्होंने फिल्म की डबिंग वाल्मीकि के नाम से कंप्लीट करवाई हुई थी। और ये फिल्म वो जल्दी वाल्मीकि के नाम से उनके टेलीविजन चैनल ढिंचाक पे प्रीमियर करवाने वाले थे, जहाँ पे 6 मार्च 2022 को रात को 8 बजे के टाइम पे वो ढिंचाक टेलीविज़न चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले थे, और जहाँ पे उस फिल्म का नाम रखा गया था वाल्मीकि। लेकिन हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि के नाम से थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जिस वजह से फिल्म को फिर से सेंसर करवा के गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से अब टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाने वाले हैं, जहाँ पे टेलीविज़न प्रीमियर डेट सेम है, यानी कि ये फिल्म आपको ढिंचाक टेलीविज़न चैनल पे रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे 6 मार्च को देखने को मिलेगी गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से। सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी पूरा कंटेंट सेम है। तो ये फिल्म आपको गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से 6 मार्च को रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से अब इस फिल्म का जो नाम चेंज हुआ है तो कुछ डायलॉग में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। गड्ढलकोंडा गणेश फिल्म को तेलुगु वर्जन में एक एक्शन कॉमेडी के तौर पे रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था हरीश शंकर ने, स्क्रीन प्ले था वो मधु श्रीनिवास और मिथुन चैतन्य ने क्रिएट किया हुआ था, जहाँ पे गड्ढलकोंडा गणेश फिल्म 2014 की तमिल लैंग्वेज जिगरथंडा का ऑफिशियल रीमेक वर्जन है। इस फिल्म का एक और रीमेक वर्जन है जिसको नाम दिया हुआ है बच्चन पांडे, जिसको अक्षय कुमार और कृति सेनन के साथ बनाया गया है हिंदी वर्जन में, जो 18 मार्च से थिएटर में लगने वाली है। तो इस तरह से इससे पहले इस फिल्म का जो तेलुगु रीमेक है उसके हिंदी राइट्स खरीद कर डब करवाकर गोलमाइंस वाले इस फिल्म को 6 मार्च को रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक टेलीविजन चैनल पे प्रीमियर करवा देंगे, जिस वजह से इस फिल्म की अच्छी खासी कंपटीशन होगी अक्षय कुमार स्टारर बच्चन पांडे से। बच्चन पांडे को थोड़ा बहुत लॉस उठाना पड़ेगा क्योंकि ये फिल्म हिंदी में पहले आ जाएगी, क्योंकि गड्ढलकोंडा गणेश में चेंजेस ज़रूर देखने को मिलते हैं जिगरथंडा के मुकाबले, लेकिन वो तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए, जिस तरह से हिंदी वर्जन में भी बॉलीवुड की रिगार्डिंग जो चेंजेस होते हैं वो करके देने वाले फिल्म में। तो सेम वे में ऐसा किया हुआ है, लेकिन जो बेसिक कोर पॉइंट है वो सेम है, जिस वजह से गड्ढलकोंडा गणेश अगर आप फिल्म देख लेते हो तो बच्चन पांडे देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब बात करें जिगरथंडा की, तो वो 2014 की फिल्म थी, तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन वो फिल्म भी कोई प्रॉपर ओरिजिनल नहीं है। ये डर्टी कार्निवल करके एक साउथ कोरियन फिल्म थी जो 2006 में रिलीज़ की गई थी, उस फिल्म से इस फिल्म का इंस्पिरेशन है, यानी कि जो साउथ कोरियन फिल्म है अ डर्टी कार्निवल, उससे इंस्पायर्ड होकर जिगरथंडा बनाई गई है। हाँ, जिगरथंडा में काफ़ी सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो तमिल नेटिविटी है उसके हिसाब से काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए। अब बात कर लेते हैं गड्ढलकोंडा गणेश के बारे में, जहाँ पे इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स है वो है राम अचंटा और गोपी अचंटा, जिन्होंने इस फिल्म को 14 रील्स प्लस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों किया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जहाँ पे इस फिल्म के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के उसके ऊपर बात करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुए अंक्स का बोस ने, एडिटिंग की हुए छोटा के प्रसाद ने, म्यूजिक दिया हुआ मिकी जे मेयर ने। और इस फिल्म को 20 सितंबर 2019 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जहां पे 25 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 42 करोड़ और 50 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया होता, जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, जिसको करीबन 172 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था। जहां पे इस फिल्म का एक्शन थ्रिलर जोनर को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट दिया गया था और इस फिल्म को IMDb पे 6.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था और IMDb पे करीबन 1100 वोट किए गए थे। तो इस तरह से इस टाइप की सिचुएशन के हिसाब से फिल्म को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे वाल्मीकि के नाम से चेंज कर इस फिल्म को गड्ढलाकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था। कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज और लीगल डिस्प्यूट के चलते फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा था, के बावजूद फिल्म अच्छा खासा एक मार्केट ले गई और फिल्म ने एक हिट का टैग ले लिया था। तो इस तरह से फिल्म को बनाकर रिलीज़ किया गया था, जहां पे 20 सितंबर 2019 को फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला था। कास्टिंग की बात करें तो वरुण तेज, अथर्व, पूजा हेगड़े, मृणालिनी रवि, सुप्रिया पाठक लीड रोल में देखने को मिलेंगे। ब्रह्मा जी, प्रदीप सरस्वती, देवी प्रसाद, सुब्बराजू, अन्नपूर्णा, तनिकेला भरानी, सत्या, राज रविंद्रन, रघु बाबू, प्रभा श्रीनु, शत्रु, अप्पाजी अंबारिसा, दरभा, ब्रह्मानंदम का एक कैमियो अपीयरेंस है, नितिन सुकुमार इनका भी कैमियो अपीयरेंस है, साथ ही में डिम्पल हयाती का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा जरा जरा सॉन्ग में। तो ये बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट में काम करते हुए नजर आएंगे। तो इतने एक्टर्स है जिन्होंने फिल्म में कुछ मुख्य किरदार निभाए हुए हैं। अब वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं उसके ऊपर मैं आपको बाद में डिटेलिंग दूंगा। प्रोडक्शन के ऊपर की बात करें तो 26 जनवरी 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। दिलराजू सुकुमार को बुलाया गया था लॉन्च इवेंट पे और इसका लॉन्च इवेंट करा गया था रामानायडू फिल्म स्टूडियो हैदराबाद में। फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया गया था फरवरी 2019 में, जहां पे अथर्वा जो फिल्म के सेकंड लीड एक्टर है उन्होंने इस फिल्म को ज्वाइन किया हुआ था मार्च 2019 में। बाद में फिल्म में थोड़े बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ पूजा हेगड़े को कंफर्म किया गया, जिनको जुलाई में कंफर्म किया गया था और जुलाई में ही उन्होंने सेट ज्वाइन किया हुआ था। मिकी जे मेयर जो इस फिल्म का म्यूजिक देते हुए नजर आएंगे आपको। इससे पहले इस फिल्म का म्यूजिक का कमान दिया गया था देवी श्री प्रसाद, लेकिन इनिशियल अनाउंस के तौर पे इनका नाम लिया गया था, लेकिन बाद में मिकी जे मेयर को लाया गया था क्योंकि देवीश्री प्रसाद के पास ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट थे, जिस वजह से वो इस प्रोजेक्ट पे उतना ध्यान नहीं दे पाए थे, जिस वजह से जो डेट इश्यू थे उसके चलते मिकी जे मेयर के पास इस फिल्म का म्यूजिक चला गया था। अब इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बात करें तो फिल्म में टोटल 4 गानों को कंपोज किया गया है, जिसकी लेंथ है 13 मिनट 10 सेकंड और इसको लेबल किया गया है सोनी म्यूजिक और सारेगामा पा के नीचे, जहां पे सारेगामा वालों ने इल्लू वच्ची गोदरम्मा वाला गाना है वो लेबल किया हुआ है, बाकी 3 गाने हैं वो सोनी म्यूजिक के पास है। अब इस फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसको रिकॉर्ड किया गया था 2019 में और इन 2 लेबल्स के नीचे इन 4 गानों को रिलीज़ किया गया था, जिसमें से 3 गाने सोनी म्यूजिक के पास है और एक गाने सारेगामा पा के पास है। और इसको 5 सितंबर 2019 में रिलीज़ किया गया था, जहां पे पहला गाना जर्रा जर्रा, जिसमें डिम्पल हयाती का एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है, उसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर भारती, रवि कुमार, जिसके सिंगर है अनुराग कुलकर्णी और उमा स्नेहा। इस गाने की लेंथ है 3 मिनट 1 सेकंड। दूसरा गाना गगन्ना विधि लो, जिसके लिरिक्स लिखे हुए वानमली ने, सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी और श्वेता सुब्रमण्यम और इसके गाने की लेंथ है 3 मिनट 15 सेकंड। तीसरा गाना वक्का वक्का, जिसके लिरिक्स लिखे हुए चंद्र बोस और सिंगर है अनुराग कुलकर्णी, मिकी जे मेयर, गाने की लेंथ थी 3 मिनट 27 सेकंड। चौथा गाना इलुवच्ची गोदरम्मा, इस गाने को लेबल किया हुआ है सारेगामा ने, इसका एक रीज़न है ये ओरिजिनल गाना नहीं है। येलुवच्ची करके एक गाना आया हुआ था 1982 में देवता फिल्म से, जो तेलुगु वर्जन की फिल्म थी, तो उस फिल्म का वो गाना था, उसको रिक्रिएट करके रिमिक्स करके बनाया गया था, जिस वजह से इसका लेबल है सारेगामा और इसको कंपोज किया हुआ था मिकी जे मेयर ने और लिरिक्स है वो लिखे हुए वेट्टूरी सुंदरम्मा मूर्ति ने। सिंगर की बात करें तो SP बाला सुब्रमण्यम और P सुशीला, इन दोनों ने मिलकर इलुवच्ची गदरम्मा गाने को गाया हुआ था, जिसकी लेंथ थी 3 मिनट 27 सेकंड। तो इस तरह से 4 गानों की जो टोटल लेंथ निकल के आई हुई है वो है 13 मिनट 10 सेकंड। तो इस तरह से फुल फीचर फिल्म साउंड साउंड ट्रैक को रिलीज़ किया गया था 5 सितंबर 2019 को। तो इस साउंड ट्रैक के ऊपर मैंने आपको डिटेलिंग दे दी है। अब बात कर लेते हैं कंट्रोवर्सीज के ऊपर। तो वाल्मीकि नाम से इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। कुछ दिनों के बाद फिल्म के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई इस नाम को लेकर, क्योंकि वाल्मीकि के नाम से एक संत आए हुए थे, तो उनको एक नेगेटिव शेड में फिल्म में दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है। उनके नाम को यूज़ करना थोड़ा लोगों में खटक रहा था, जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग एक केस दर्ज हुआ था आंध्र प्रदेश में अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तभी प्रोटेस्ट किया गया था इस फिल्म के रिगार्डिंग, क्योंकि पहले ही नाम अनाउंस हो चुका था, जिस वजह से इस फिल्म ने के जो कम्युनिटी है उन्होंने फिल्म के क्रू मेंबर के ऊपर अटैक करवाया हुआ था, और उसके बाद में फिल्म की शूटिंग भी आधे में रोक दी गई थी। तो इतना कुछ होने के बाद फिल्म के जो शूटिंग स्टार्ट करने के लिए फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा, जिसको नाम दिया गया बाद में गड्ढलकोंडा गणेश। और जब रिलीज़ के बारी आई तब फिल्म को नाम चेंज करके रिलीज़ किया गया, जहाँ पे सितंबर 2019 में तेलंगाना हाईकोर्ट में पिटीशन डाली गई थी, जहाँ पे आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना कोर्ट में इसकी पिटीशन के थ्रू वाल्मीकि से इस फिल्म को नाम दिया गया गड्ढलकोंडा गणेश। जिस वजह से फिल्म के रिलीज़ के 6 घंटे पहले इस फिल्म का नाम गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था, चेंज किया गया था, जिस वजह से इस फिल्म को वाल्मीकि की जगह गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था। मार्केटिंग रिलीज़ की बात करें तो जून 2019 में 14 रील्स प्लस के द्वारा इस फिल्म का फ्री टीज़र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया था। 15 अगस्त 2019 को टीम के थ्रू इस फिल्म का टीज़र रिलीज़ किया गया था, और उसके बाद में प्रोमोटिंग फिल्म के जो सिंगल्स थे एल्बम में से एक के बाद एक प्रोमोट के लिए रिलीज़ किए गए थे। फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर है उसको 14 रील प्लस के यूट्यूब चैनल पे अनवील किया गया था 9 सितंबर 2019 को। फिल्म को शेड्यूल किया गया था 13 सितंबर 2019 को रिलीज़ करने के लिए, लेकिन नानी स्टार और गैंग लीडर फिल्म थी, उसके साथ ये फिल्म क्लेश हो रही थी, जिस वजह से फिल्म को बाद में 1 वीक पोस्टपोन करना पड़ा, और उसके बाद फिल्म को 20 सितंबर 2019 को फाइनली रिलीज़ किया गया था, जहां पे फिल्म करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ रिलीज़ की गई थी, और बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन करके दिखा दिया था। इसी के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट का टैग ले गई थी। इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए हुए थे गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने, जिन्होंने रिलीज़ के वक्त ही फिल्म के राइट्स खरीद लिए थे, और बाद में फिल्म को उन्होंने डब करवा दिया, और उसके बाद अब वो ढिंचाक चैनल पर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले, जहाँ पे 6 मार्च 2022 को रात को 8 बजे के टाइम पर रविवार के दिन इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि गड्ढलकोंडा गणेश के ही नाम से रिलीज़ करने वाले। इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि नाम दिया गया था, लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया। इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया था तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, जहां पे क्रिटिक्स ने वरुण तेज की परफॉर्मेंस काफ़ी सराहना की गई थी। वो अभी तक एक चॉकलेट बॉय वाला किरदार प्ले करते हुए नज़र आ रहे थे, सॉफ्ट बॉय का किरदार प्ले कर रहे थे, अचानक एक गैंगस्टर में ट्रांसफॉर्मेशन वाला रोल देखने को मिला, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया था। फिल्म में कुछ कॉमेडी थी जो लोगों को थोड़ी ज़्यादा फोर्स की हुई नज़र आ रही थी, जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़े मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर एक बढ़िया हिट का टैग ले गई थी। इस फिल्म ने जिस फिल्म का रीमेक किया हुआ है यानी कि जिगर ठंडा, उसके बारे में बात करें तो जिगर ठंडा, जिसका मीनिंग होता है कोल्ड हार्टेड, जो 2014 की तमिल लैंग्वेज एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कार्तिक सुब्बराज ने। ये फिल्म अडर टिकानेवल से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म का काफ़ी सारी लैंग्वेज में डब वर्जन निकल चुका है और रीमेक वर्जन भी निकल चुका है, जहाँ पे तेलुगु डब वर्जन 2016 में चिकड्डू दुक्कडू के नाम से रिलीज़ किया गया था, साथ ही में कन्नडा में रीमेक किया गया था सेम टाइटल के साथ 2016 में। उसके बाद 2019 में गड्ढलकोंडा के नाम से गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था। उसी के साथ हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से 2022 में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म आने वाली है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ कार्तिक सुब्बराज ने, स्टोरी आइडिया, स्क्रीन प्ले, वो सभी चीज़ें भी उनकी ही थी। प्रोड्यूसर्स काथिरेसन ने इस फिल्म को SMS पिक्चर्स सॉरी ग्रुप कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था, और SMS पिक्चर और कल संगम फिल्म्स के नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको सिद्धार्थ, बॉबी सिम्हा और लक्ष्मी मेनन देखने को मिले होंगे। उनके अलावा करुणाकरण, गुरु सोम सुंदरन, आदुकलम नरेंद्र सौंदरराजन, रामचंद्र दुरैराज, सेंथिल कुमारन, गंग सांगिली मुरुगन, बाला सिंह, थेनावल, दिल्ली गणेश, सुधा जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिले होंगे। इस फिल्म को डेवलप किया गया था 2013 में अनाउंस किया गया था। उसके बाद में फिल्म को एक के बाद एक चीज़ अनाउंस की गई थी, कास्टिंग भी तभी की गई थी और उसके बाद फिल्म की 21 नवंबर 2013 तक प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी और उसके बाद में फिल्म को 2014 एंड तक कंप्लीट करवा लिया गया था। और उसके बाद इस फिल्म में जो गाने को कंपोज किया गया था वो टोटल गाने थे 9, जहाँ पे 9 बैकग्राउंड स्कोर थे। इसके अलावा 5 टोटल सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे फिल्म का जो साउंड ट्रैक है वो बढ़िया तरीके से हिट साबित हुआ था और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी काफ़ी सारा सराहना मिली थी। रिलीज़ के बाद फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस दोनों की तरफ से हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। और उसके बाद इस फिल्म को जब बाहर देश रिलीज़ किया गया वहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था। कुछ चीज़ों के चलते फिल्म ज़रूर डिले हुई थी रिलीज़ के वक्त, लेकिन उसके बाद जब एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिस वजह से फिल्म लोगों को काफ़ी सारी पसंद आई थी। जिगरथंडा फिल्म के जो तमिल सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए थे स्टार विजय ने, यानी कि स्टार विजय के चैनल पे ये फिल्म आपको टेलीविजन पे तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी। और इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास, जिन्होंने जिगरथंडा फिल्म को सेम नाम के साथ वहाँ पे अवेलेबल करवाया हुआ है विथ इंग्लिश सबटाइटल, और वो फिल्म आप बिल्कुल फ्री में वहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से इस फिल्म को सभी प्लेटफॉर्म पे ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ है। इस फिल्म ने करीबन 25 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड रन लिया था, तब उस टाइम में 46 करोड़ के आसपास 2014 में ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और एक 2014 की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी, जिस वजह से जिगरथंडा फिल्म एक अच्छी खासी क्लासिकल कल्ट क्लासिक फिल्म में शामिल हो गई थी, जहां पे मीडियम स्टार कास्ट के साथ भी फिल्म अच्छा खासा वर्क कर गई थी। जिगरथंडा फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन राइट है वो भी बेच दिए गए थे, जिसको खरीदा हुआ था एशियन मीडिया ने। फिल्म की डबिंग भी उन्होंने 2019 तक शायद कंप्लीट करवा ली थी। SPM आर्ट्स यानी कि एशियन मीडिया, जिन्होंने फिल्म को सेम नाम से सेंसर बोर्ड की तरफ से हिंदी डब वर्जन ने सेंसर सर्टिफिकेट भी करवा लिया था और ये फिल्म टेलीविज़न प्रीमियर के लिए तैयार थी, लेकिन तभी फिल्म के रीमेक राइट्स हिंदी में बेच दिए गए। बच्चन पांडे के नाम से जो 2022 में आपको रीमेक देखने को मिल रहा है, उसी की वजह से जिगरथंडा फिल्म की हिंदी डब वर्जन को रिलीज़ रोक दी गई थी। बच्चन पांडे के मेकर्स ने जिगरथंडा के मेकर्स को इस फिल्म को डब वर्जन में रिलीज़ करने के लिए मना किया गया, जिस वजह से एशियन मीडिया ने उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए फिल्म को पोस्टपोन पे रखा हुआ है। अब जब बच्चन पांडे 18 मार्च को रिलीज़ हो जाएगी, उसके बाद OTT पे अवेलेबल हो जाएगी। बाद में इस फिल्म को जिगरथंडा फिल्म को हिंदी डब वर्जन में टेलीविज़न और यूट्यूब पे अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो गडलकोंडा गणेश है वो एक और रीमेक है, वो गोलमाइंस वालों ने डब करवा के अब रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है, जो आपको 6 मार्च को रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे सेम नाम के साथ ढिंगचा चैनल पे देखने को मिलेगी। उसके बाद ज़रूर यूट्यूब चैनल पे वो फिल्म प्रीमियर नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि ढिंचाक पे होने वाली फिल्में प्रीमियर होने वाली फिल्में गोलमाइंस वाले तुरंत प्रीमियर नहीं करवाते हैं। गड्ढलकोंडा गणेश फिल्म के जो लीड एक्टर्स है, जो कास्टिंग है, उसमें कौन से कैरेक्टर ने क्या रोल प्ले किया था उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। वरुण तेज जो गनी के रोल में दिखाई देते हैं, जिसका पूरा नाम है गड्ढलकोंडा गणेश। अथर्वा जिन्होंने अभिलाष यानी कि अभी का रोल प्ले किया हुआ है। पूजा हेगड़े जो श्रीदेवी यानी कि देवी के रोल में दिखाई देती है। मृणालिनी रवि जिन्होंने बुजम्मा का रोल प्ले किया हुआ है। सुप्रिया पाठक जो गड्ढलकोंडा गणेश की मां के रोल में दिखाई देती है। ब्रह्मा जी जिन्होंने मुनि माणिक्यम के एक एक्टिंग कोच का रोल प्ले किया हुआ है। प्रदीप जो अभी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं। सरस्वती जो अभी की मां के रोल में दिखाई देती है। देवी प्रसाद जिन्होंने अभी के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है। सुब्बराजू जिन्होंने प्रभाकर के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है। अन्नपूर्णा जो गनी की सेफ के रोल में दिखाई देते हैं। दानिकेला भरानी जिन्होंने थिएटर ऑपरेटर का रोल प्ले किया हुआ है। सत्या जिन्होंने चिंतकाई यानी कि अभिलाष के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। राजा रविंद्र जिन्होंने नलमुद्दू बाबजी का रोल प्ले किया हुआ है। रघु बाबू जिन्होंने फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा प्रभा श्रीनु जो आपको बलिया के रोल में दिखाई देंगे। शत्रु जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है। अप्पाजी अंबारीसा दरबा जो श्रीदेवी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं। ब्रह्मानंदम, नितिन, सुकुमार इनका एक गेस्ट अपीयरेंस कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलेगा। डिम्पल हयाती जरा जरा सॉन्ग में आइटम नंबर दिखाती हुई नजर आएंगी, अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएंगी। तो इस तरह से इन सभी आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है, इन सभी कैरेक्टर को उन्होंने निभाया हुआ था। स्टोरी की बात करें तो अभिलाष यानी कि अथर्वा एक अपकमिंग डायरेक्टर है जो एक बड़ी फिल्म बनाना चाहते हैं विथ एनी कॉस्ट, और इसके लिए वो डिसाइड करते हैं वो एक क्रिमिनल बेस्ड फिल्म बनाएंगे और उसके लिए एक कहानी के सर रिसर्च में निकल पड़ते हैं। और उनका सामना होता है गड्ढलकोंडा गणेश यानी कि वरुण तेज से जो एक ब्रूटल क्रिमिनल है, और उनके बारे में जानने के बाद वो फिक्स करते हैं कि उनके ऊपर एक फिल्म बनाएंगे, उनके नज़दीक जाकर उनके बारे में जानेंगे और साथ ही में कहानी के ऊपर पूरी डिटेलिंग लेंगे और इस फिल्म को वो डायरेक्ट करेंगे। लेकिन एक पॉइंट के बाद वो सभी चीज़ें वो गड्ढलकोंडा गणेश के सामने रिवील करता है। गड्ढलकोंडा गणेश इस फिल्म के बनाने के लिए राजी तो हो जाते, अपनी फिल्म अपनी लाइफ की कहानी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए राजी तो हो जाते, लेकिन वहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जहाँ पे गणेश डिमांड करता है कि वो इस फिल्म में हीरो का रोल प्ले करेगा। तो अब बाकी की कहानी यही है कि अभिलाष किस तरह से इस डेडली गैंगस्टर को हैंडल करता है, फिल्म को किस तरह से फिनिश करता है, वो सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी बनाई गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि कार्तिक सुब्बराज, इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि हरीश शंकर, जिन्होंने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है, उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी एक्टर्स को यूज़ किया हुआ था। जिस तरह से वरुण तेज के किरदार को उन्होंने शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी सुपर्ब मैनर में उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। फिल्म में एक गैंगस्टर का लुक, उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस उनके पास बेहतरीन वे में निकलवाई हुई थी। उनकी जो चेंजेस देखने को मिलते हैं डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज में, उसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी। साथ ही में फिल्म में कुछ बेसिक इमोशंस की थोड़ी बहुत आपको कमी नजर आएंगी, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थोड़ा वीक नजर आएगा, फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंथी नजर आएगा, थोड़ी जगह पे हरिशंकर आपको अपनी ग्रिप लूज होते हुए नजर आएंगे प्रोसीडिंग के टाइम सेकंड हाफ में। लेकिन बाकी जो एक अच्छा एलिमेंट होना चाहिए, गुड मास एलिमेंट, फनी एलिमेंट, वो सभी चीज़ें वो भरपूर तरह एड करते हुए नज़र आते हैं। इस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से वरुण तेज को एक मेकओवर किया हुआ था, उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सॉफ्ट गाय से एक हार्डकोर क्रिमिनल के रूप में, वो बेहतरीन था। उसी वजह से फिल्म पूरी तरह से एंगेजिंग नजर आती है। फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे, वीटी डायलॉग्स सुनने को मिलते, कुछ कॉमेडी पंचेस थे, वन लाइनर्स थे, उसको बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था। हरीश शंकर ने ओवरऑल वरुण के किरदार को अच्छी तरह से लिखा हुआ था, उनकी डायलॉग डिलीवरी सुपर्ब थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज अमेजिंग थी। अथर्वा मुरली जो आपको एक डिसेंट डेब्यू करते हुए नजर आएंगे, उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम निभाया हुआ है। उन्होंने मिकी जे मेयर के उन्होंने जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है एक डायरेक्टर, अपकमिंग डायरेक्टर के रोल में, उसमें वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे। अपने परफॉर्मेंस के साथ वो फिल्म में एक अलग इम्पैक्ट छोड़ते हुए नजर आते हैं। मिकी जे मेयर जिनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी टॉप नॉच वाला था, उन्होंने बढ़िया तरीके से फिल्म को सपोर्ट का हो ऐसा बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था। फिल्म का जो माहौल है, जो जॉनर है, उसके हिसाब से बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट हुआ था, जो फिल्म को एक अलग लेवल पे एलिवेट करने में कामयाब हो रहा था। इस फिल्म में कॉमेडियन सत्या आपको देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपना रोल काफ़ी हिलेरियस वे में निभाया हुआ है। उन्होंने जिस तरह से अपने कॉमेडी सीक्वेंस को डिलीवर किया हुआ है वो सुपर्ब, पंचेस आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ब्रह्मा जी जो टीचर के रोल में काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम करते हुए नजर आते हैं, उन्होंने क्रूशल पॉइंट पर अपना काम दिखाया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया है। फिल्म के क्रूशल पॉइंट पर उनका रोल आता है और वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहती है। उन्होंने जितने भी वन लाइनर्स डिलीवर किए हुए, अपने कॉमिक पंचेस को कॉमिक टाइमिंग जिस तरह से डिलीवर किए हुए, वो काफ़ी बढ़िया थी। वो फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट्स देने में कामयाब रहती है, वहाँ पे आप ज़रूर हंस पड़ोगे। पूजा हेगड़े फिल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी, दिखने में काफ़ी गोर्जियस और सिंपल नज़र आ रही थी। वो श्रीदेवी का रोल प्ले कर रही है फिल्म में, उनका रोल जितनी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना जो वक्त है वो एड किया हुआ था। अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू उन्होंने अपना टैलेंट ज़रूर दिखाया हुआ था। हाँ, उनका एक गेस्ट रोल बोल सकते हैं, रोल छोटा था, लेकिन जितना भी काम था उसमें वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी। सुप्रिया पाठक जो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने माँ का रोल प्ले करते हुए नजर आती है। राजा रवि को एक अच्छा रोल मिला हुआ था, अपने अच्छे रोल के साथ वो एक नीट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते। फर्स्ट हाफ को बढ़िया तरीके से स्टेब्लिश किया हुआ था डायरेक्टर ने, जहाँ पे वरुण के किरदार को अच्छी तरह से एक रेटेड क्रिमिनल के तौर पे हमारे सामने पेश किया हुआ था। वहाँ पे बढ़िया मसाला एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में उन सभी सीक्वेंस के साथ अच्छी अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिलती है। इस फिल्म को तेलुगु वर्जन के हिसाब से तमिल वर्जन से थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए नज़र आएंगे, जहाँ पे कुछ कॉमेडी सीक्वेंस है, कुछ चीज़ें जो फिल्म को अलग करी हुई है, जो तेलुगु नेटिविटी है उस हिसाब से चेंज किया हुआ है, लेकिन वो सभी चीज़ें अच्छे वे में जाती है। इस फिल्म की लेंथ थोड़ी ज़रूर बड़ी है, जहाँ पे हरिशंकर फिल्म को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन उसको इस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम ले लेते। इसके बाद सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें उसकी प्रोसीडिंग बढ़िया नहीं थी, इमोशंस की कमी थी, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे क्लाइमैक्स में जिस तरह से एड की हुई थी वो फोर्सफुली एड की हो ऐसा नज़र आ रहा था। पूजा हेगड़े का जो ट्रैक है वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन सीन्स थे, लेकिन उन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी ऐसा नज़र आ रहा था। उसे आसानी से क्रिस्प किया जा सकता था। अथर्व और वरुण तेज के बीच में जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन थे उसको और एंटरटेनिंग मैनर में दिखाया जा सकता था। तो ये कुछ एक दो चीज़ें उसको सुधारा जा सकता था। ओवरऑल फिल्म में जो मास एलिमेंट है, वरुण तेज का जो मेकओवर है, जो फिल्म की स्टोरी लाइन है, जो इंटरवल ब्लॉक है, जो कॉमेडी सीक्वेंस है, इन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने काफ़ी बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ है। तो गड्ढलकोंडा गणेश फिल्म एक अच्छी मास ड्रामा फिल्म है जहाँ पे बढ़िया तरीके से आपको मास एलिमेंट्स के थ्रू एक प्रोसीडिंग देखने को मिलती है, जो परफॉर्मेंसेस है वो शानदार देखने को मिलती है, जिस तरह से ये जो कैरेक्टर बनाए हुए वो बढ़िया है, सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलती है, बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिलते हैं। इसके अलावा एडिटिंग को थोड़ा कम किया जा सकता था, फिल्म को 15-20 मिनट छोटा किया जा सकता था। ओवरऑल फिल्म की एडिटिंग भी बढ़िया है, प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छी थी, फिल्म के लिरिक्स अच्छे थे, डायलॉग्स बढ़िया थे, साथ ही में जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफ़ी टॉप नॉच की थी, जिस वजह से स्क्रीन में हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी। तो ये ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है जिसे ज़रूर देखा जा सकता है। अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन ज़रूर फुलफिल हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है, ये रीमेक ज़रूर है लेकिन एक अच्छा रीमेक है जिसे ज़रूर देख सकते हो। तो इस फिल्म को अगर आप तेलुगु वर्जन में देखना चाहते हो तो गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से इसको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल करवाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को आप ज़रूर एंजॉय कर पाओगे। गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने उनकी वेबसाइट पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको विदाउट सब्सक्रिप्शन ये फिल्म तेलुगु वर्जन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है जिगर ठंडा, वो भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने ही खरीदा हुआ है, और वो जिगर ठंडा फिल्म भी तमिल वर्जन में अवेलेबल की हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल वो फिल्म भी आप इंजॉय कर पाओगे। तो गड्ढलकोंडा गणेश और जिगर ठंडा दोनों तमिल और तेलुगु वर्जन आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे। जहाँ पे अब बात करें हिंदी डब वर्जन की, तो फिल्म को पहले तो वाल्मीकि के नाम से डब करके रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन अब नाम फिर से चेंज हो चुका है, जिसको ओरिजिनल नाम दे दिया गया है गड्ढलकोंडा गणेश। अब गोल्डमाइंस वालों ने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए हैं और उन्होंने ही इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स भी खरीदे हुए हैं। तो ये फिल्म आपको पहले सैटेलाइट चैनल ढिंचाक पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे फिल्म का जो पहला वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर है वो है 6 मार्च रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक टेलीविज़न चैनल पे सेम नाम के साथ। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि गड्ढलकोंडा व गणेश का पहला हिंदी डब वर्जन टेलीविज़न प्रीमियर 6 मार्च 2022 रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक चैनल पे देखने को मिलेगा, और उसके बाद इस फिल्म का यूट्यूब प्रीमियर ज़रूर होगा लेकिन अभी नहीं होगा। इस फिल्म का यूट्यूब प्रीमियर करीबन काफ़ी समय के बाद, क्योंकि ढिंचाक पे प्रीमियर होने वाली फिल्म में गोलमाइंस वाले तुरंत उनके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं करवाते हैं, लेकिन जब कभी भी इस फिल्म का ऑफिशियल यूट्यूब प्रीमियर होगा तो वो गोलमाइंस के ही चैनल पर करवाया जाएगा, जहाँ पर ये फिल्म आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा सैटेलाइट चैनल ढिंचाक के ऊपर इस फिल्म को बारी बारी से प्रीमियर करवाने ही वाले, जहाँ पे इस फिल्म को आप ज़रूर एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से सभी वर्जन यानी कि तमिल, तेलुगु, हिंदी डब और साथ ही में हिंदी वर्जन जो बच्चन पांडे नाम से 18 मार्च को आ रहा है, इन सभी तरह जिस तरह मैंने बताया उन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख सकोगे। गड्ढलकोंडा गणेश जो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, इस फिल्म को पहले नाम दिया गया था वाल्मीकि, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज के चलते फिर से बाद में गड्ढलकोंडा गणेश नाम देकर फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था। सेम सिचुएशन हिंदी वर्जन में भी आई हुई थी, जहाँ पे गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से इस फिल्म को जब तेलुगु में रिलीज़ किया गया उसके बाद हिंदी डब वर्जन के राइट सोल्ड आउट किए हुए थे गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने, जिन्होंने फिल्म की डबिंग वाल्मीकि के नाम से कंप्लीट करवाई हुई थी, और ये फिल्म वो जल्दी ही वाल्मीकि के नाम से उनके टेलीविज़न चैनल ढिंचाक पे प्रीमियर करवाने वाले थे, जहां पे 6 मार्च 2022 को रात को 8 बजे के टाइम पे वो ढिंचाक टेलीविज़न चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले थे और जहां पे उस फिल्म का नाम रखा गया था वाल्मीकि। लेकिन हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि के नाम से थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जिस वजह से फिल्म को फिर से सेंसर करवा के गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से अब टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाने वाले, जहाँ पे टेलीविज़न प्रीमियर डेट सेम है, यानी कि ये फिल्म आपको ढिंचाक टेलीविज़न चैनल पे रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे 6 मार्च को देखने को मिलेगी। गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी पूरा कंटेंट सेम है। तो ये फिल्म आपको गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से 6 मार्च को रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से अब इस फिल्म का जो नाम चेंज हुआ है तो कुछ डायलॉग में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। गड्ढलकोंडा गणेश फिल्म को तेलुगु वर्जन में एक एक्शन कॉमेडी के तौर पे रिलीज़ किया गया था, जहां पे फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था हरीश शंकर ने। स्क्रीन प्ले था वो मधु श्रीनिवास और मिथुन चैतन्य ने क्रिएट किया हुआ था, जहां पे गड्ढलकोंडा गणेश फिल्म 2014 की तमिल लैंग्वेज जिगरथंडा का ऑफिशियल रीमेक वर्जन है। इस फिल्म का एक और रीमेक वर्जन है जिसको नाम दिया हुआ है बच्चन पांडे, जिसको अक्षय कुमार और कृति सेनन के साथ बनाया गया है हिंदी वर्जन में, जो 18 मार्च से थिएटर में लगने वाली है। तो इस तरह से इससे पहले इस फिल्म का जो तेलुगु रीमेक है उसके हिंदी राइट्स खरीद कर डब करवाकर गोलमाइंस वाले इस फिल्म को 6 मार्च को रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक टेलीविज़न चैनल पे प्रीमियर करवा देंगे, जिस वजह से इस फिल्म की अच्छी खासी कंपटीशन होगी अक्षय कुमार स्टारर बच्चन पांडे से। बच्चन पांडे को थोड़ा बहुत लॉस उठाना पड़ेगा क्योंकि ये फिल्म हिंदी में पहले आ जाएगी, क्योंकि गड्ढलकोंडा गणेश में चेंजेस ज़रूर देखने को मिलते हैं जिगरथंडा के मुकाबले, लेकिन वो तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए, जिस तरह से हिंदी वर्जन में भी बॉलीवुड की रिगार्डिंग जो चेंजेस होते हैं वो करके देने वाले फिल्म में। तो सेम वे में ऐसा किया हुआ है, लेकिन जो बेसिक कोर पॉइंट है वो सेम है, जिस वजह से गड्ढलकोंडा गणेश अगर आप फिल्म देख लेते हो तो बच्चन पांडे देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब बात करें जिगरथंडा की, तो वो 2014 की फिल्म थी, तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन वो फिल्म भी कोई प्रॉपर ओरिजिनल नहीं है। ये डर्टी कार्निवल करके एक साउथ कोरियन फिल्म थी जो 2006 में रिलीज़ की गई थी, उस फिल्म से इस फिल्म का इंस्पिरेशन है, यानी कि जो साउथ कोरियन फिल्म है अ डर्टी कार्निवल, उससे इंस्पायर्ड होकर जिगरथंडा बनाई गई है। हाँ, जिगरथंडा में काफ़ी सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो तमिल नेटिविटी है उसके हिसाब से काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए। अब बात कर लेते हैं गड्ढलकोंडा गणेश के बारे में, जहाँ पे इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स है वो है राम अचंटा और गोपी अचंटा, जिन्होंने इस फिल्म को 14 रील्स प्लस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों किया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था, जहाँ पे इस फिल्म के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के उसके ऊपर बात करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुए अंक्स का बोस ने, एडिटिंग की हुए छोटा के प्रसाद ने, म्यूजिक दिया हुआ मिकी जे मेयर ने। और इस फिल्म को 20 सितंबर 2019 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जहां पे 25 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 42 करोड़ और 50 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया होता, जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, जिसको करीबन 172 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे इस फिल्म का एक्शन थ्रिलर जोनर को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट दिया गया था। और इस फिल्म को IMDb पे 6.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था और IMDb पे करीबन 1100 वोट किए गए थे। तो इस तरह से इस टाइप की सिचुएशन के हिसाब से फिल्म को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे वाल्मीकि के नाम से चेंज कर इस फिल्म को गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था। कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज और लीगल डिस्प्यूट के चलते फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा था, उसके बावजूद फिल्म अच्छा खासा एक मार्केट ले गई और फिल्म ने एक हिट का टैग ले लिया था। तो इस तरह से फिल्म को बनाकर रिलीज़ किया गया था, जहां पे 20 सितंबर 2019 को फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला था। कास्टिंग की बात करें तो वरुण तेज, अथर्व, पूजा हेगड़े, मृणालिनी रवि, सुप्रिया पाठक लीड रोल में देखने को मिलेंगे। ब्रह्मा जी, प्रदीप सरस्वती, देवी प्रसाद, सुब्बराजू, अन्नपूर्णा, तनिकेला भरानी, सत्या, राज रविंद्रन, रघुबाबू, प्रभा श्रीनु, शत्रु, अप्पाजी अंबारीसा, दरभा, ब्रह्मानंदम का एक कैमियो अपीयरेंस है, नितिन, सुकुमार, इनका भी कैमियो अपीयरेंस है। साथ ही में डिम्पल हयाती का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा जरा जरा सॉन्ग में। तो ये बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट में काम करते हुए नजर आएंगे। तो इतने एक्टर्स है जिन्होंने फिल्म में कुछ मुख्य किरदार निभाए हुए हैं। अब वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं उसके ऊपर मैं आपको बाद में डिटेलिंग दूंगा। प्रोडक्शन के ऊपर की बात करें तो 26 जनवरी 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। दिल राजू सुकुमार को बुलाया गया था लॉन्च इवेंट पे और इसका लॉन्च इवेंट करा गया था रामा नायडू फिल्म स्टूडियो हैदराबाद में। ये फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया गया था फरवरी 2019 में, जहाँ पे अथर्वा जो फिल्म के सेकंड लीड एक्टर है उन्होंने इस फिल्म को ज्वाइन किया हुआ था मार्च 2019 में। बाद में फिल्म में थोड़े बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ पूजा हेगड़े को कन्फर्म किया गया, जिनको जुलाई में कन्फर्म किया गया था और जुलाई में ही उन्होंने सेट ज्वाइन किया हुआ था। मिकी जे मेयर जो इस फिल्म का म्यूजिक देते हुए नजर आएंगे आपको। इससे पहले इस फिल्म का म्यूजिक का कमान दिया गया था देवीश्री प्रसाद, लेकिन इनिशियल अनाउंस के तौर पे इनका नाम लिया गया था, लेकिन बाद में मिकी जे मेयर को लाया गया था क्योंकि देवीश्री प्रसाद के पास ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट थे, जिस वजह से वो इस प्रोजेक्ट पर उतना ध्यान नहीं दे पाए थे, जिस वजह से जो डेट इश्यू थे उसके चलते मिकी जे मेयर के पास इस फिल्म का म्यूजिक चला गया था। अब इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बात करें तो फिल्म में टोटल 4 गानों को कंपोज किया गया है, जिसकी लेंथ है 13 मिनट 10 सेकंड और इसको लेबल किया गया है सोनी म्यूजिक और सारेगामा के नीचे, जहाँ पे सारेगामा वालों ने इल्लू वच्ची गोदरम्मा वाला गाना है वो लेबल किया हुआ है, बाकी 3 गाने हैं वो सोनी म्यूजिक के पास है। अब इस फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसको रिकॉर्ड किया गया था 2019 में और इन 2 लेबल्स के नीचे इन 4 गानों को रिलीज़ किया गया था, जिसमें से 3 गाने सोनी म्यूजिक के पास है और 1 गाने सारेगामा के पास है। और इसको 5 सितंबर 2019 में रिलीज़ किया गया था, जहां पे पहला गाना जर्रा जर्रा, जिसमें डिम्पल हयाती का एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है, उसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर भारती, रवि कुमार, जिसके सिंगर है अनुराग कुलकर्णी और उमा स्नेहा। इस गाने की लेंथ है 3 मिनट 1 सेकंड। दूसरा गाना गगन्ना विधिलो, जिसके लिरिक्स लिखे हुए वानमली ने, सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी और श्वेता सुब्रमण्यम और इसके गाने की लेंथ है 3 मिनट 15 सेकंड। तीसरा गाना वक्का वक्का, जिसके लिरिक्स लिखे हुए चंद्र बोस और सिंगर है अनुराग कुलकर्णी, मिकी जे मेयर। गाने की लेंथ थी 3 मिनट 27 सेकंड। चौथा गाना इलुवच्ची गोदरम्मा, इस गाने को लेबल किया हुआ है सारेगामा ने। इसका एक रीज़न है, ये ओरिजिनल गाना नहीं है। येलुवच्ची करके एक गाना आया हुआ था 1982 में देवता फिल्म से, जो तेलुगु वर्जन की फिल्म थी, तो उस फिल्म का वो गाना था, उसको रिक्रिएट करके रिमिक्स करके बनाया गया था, जिस वजह से इसका लेबल है सारेगामा और इसको कंपोज किया हुआ था मिकी जे मेयर ने और लिरिक्स है वो लिखे हुए वेट्टूरी सुंदरम्मा मूर्ति ने। सिंगर की बात करें तो एसपी बाला सुब्रमण्यम और पी सुशीला, इन दोनों ने मिलकर इलुवच्ची गदरम्मा गाने को गाया हुआ था, जिसकी लेंथ थी 3 मिनट 27 सेकंड। तो इस तरह से 4 गानों की जो टोटल लेंथ निकल के आई हुए वो है 13 मिनट 10 सेकंड। तो इस तरह से फुल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक को रिलीज़ किया गया था 5 सितंबर 2019 को। तो इस साउंड ट्रैक के ऊपर मैंने आपको डिटेलिंग दे दी है। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज के ऊपर। तो वाल्मीकि नाम से इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। कुछ दिनों के बाद फिल्म के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई इस नाम को लेकर, क्योंकि वाल्मीकि के नाम से एक संत आए हुए थे, तो उनको एक नेगेटिव शेड में फिल्म में दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है। उनके नाम को यूज़ करना थोड़ा लोगों में खटक रहा था, जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग एक केस दर्ज हुआ था आंध्र प्रदेश में अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तभी प्रोटेस्ट किया गया था इस फिल्म के रिगार्डिंग, क्योंकि पहले ही नाम अनाउंस हो चुका था, जिस वजह से इस फिल्म ने के जो कम्युनिटी है उन्होंने फिल्म के क्रू मेंबर के ऊपर अटैक करवाया हुआ था और उसके बाद में फिल्म की शूटिंग भी आधे में रोक दी गई थी। तो इतना कुछ होने के बाद फिल्म का जो शूटिंग स्टार्ट करने के लिए फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा, जिसको नाम दिया गया बाद में गड्ढलकोंडा गणेश। और जब रिलीज़ के बारी आई तब फिल्म को नाम चेंज करके रिलीज़ किया गया, जहाँ पे सितंबर 2019 में तेलंगाना हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी, जहाँ पे आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना कोर्ट में इसकी पिटीशन के थ्रू वाल्मीकि से इस फिल्म को नाम दिया गया गड्ढलकोंडा गणेश, जिस वजह से फिल्म के रिलीज़ के 6 घंटे पहले इस फिल्म का नाम गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था, चेंज किया गया था, जिस वजह से इस फिल्म को वाल्मीकि की जगह गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था। मार्केटिंग रिलीज़ की बात करें तो जून 2019 में 14 रील्स प्लस के द्वारा इस फिल्म का फ्री टीज़र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करवाया गया था। 15 अगस्त 2019 को टीम के थ्रू इस फिल्म का टीज़र रिलीज़ किया गया था और उसके बाद में प्रोमोटिंग फिल्म के जो सिंगल्स थे एल्बम में से एक के बाद एक प्रोमोट के लिए रिलीज़ किए गए थे। फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर है उसको 14 रील प्लस के यूट्यूब चैनल पे अनवील किया गया था 9 सितंबर 2019 को। फिल्म को शेड्यूल किया गया था 13 सितंबर 2019 को रिलीज़ करने के लिए, लेकिन नानी स्टारर गैंग लीडर फिल्म थी उसके साथ ये फिल्म क्लैश हो रही थी, जिस वजह से फिल्म को बाद में एक वीक पोस्टपोन करना पड़ा और उसके बाद फिल्म को 20 सितंबर 2019 को फाइनली रिलीज़ किया गया था, जहां पे फिल्म करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ रिलीज़ की गई थी और बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन करके दिखा दिया था। इसी के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट का टैग ले गई थी। इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए हुए थे गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने, जिन्होंने रिलीज़ के वक्त ही फिल्म के राइट्स खरीद लिए थे और बाद में फिल्म को उन्होंने डब करवा दिया और उसके बाद अब वो ढिंचाक चैनल पर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले हैं, जहाँ पे 6 मार्च 2022 को रात को 8 बजे के टाइम पर रविवार के दिन इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ करने वाले। इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि नाम दिया गया था लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया। इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया था तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, जहां पे क्रिटिक्स ने वरुण तेज की परफॉर्मेंस काफ़ी सराहना की गई थी। वो अभी तक एक चॉकलेट बॉय वाला किरदार प्ले करते हुए नजर आ रहे थे, सॉफ्ट बॉय का किरदार प्ले कर रहे थे, अचानक एक गैंगस्टर में ट्रांसफॉर्मेशन वाला रोल देखने को मिला, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया था। फिल्म में कुछ कॉमेडी थी जो लोगों को थोड़ी ज़्यादा फोर्स की हुई नज़र आ रही थी, जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़े मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर एक बढ़िया हिट का टैग ले गई थी। इस फिल्म ने जिस फिल्म का रीमेक किया हुआ है यानी कि जिगर ठंडा, उसके बारे में बात करें तो जिगर ठंडा, जिसका मीनिंग होता है कोल्ड हार्टेड, जो 2014 की तमिल लैंग्वेज एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कार्तिक सुब्बराज ने। ये फिल्म अ डर्टी कार्निवल से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म का काफ़ी सारी लैंग्वेज में डब वर्जन निकल चुका है और रीमेक वर्जन भी निकल चुका है, जहाँ पे तेलुगु डब वर्जन 2016 में चिकड्डू दुक्कडू के नाम से रिलीज़ किया गया था, साथ ही में कन्नडा में रीमेक किया गया था सेम टाइटल के साथ 2016 में। उसके बाद 2019 में गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था। उसी के साथ हिंदी में बच्चन पंडे के नाम से 2022 में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म आने वाली है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ कार्तिक सुब्बराज ने, स्टोरी आइडिया, स्क्रीन प्ले, वो सभी चीज़ें भी उनकी ही थी। प्रोड्यूसर्स काथिरेसन ने इस फिल्म को SMS पिक्चर्स सॉरी ग्रुप कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था और SMS पिक्चर और कल संगम फिल्म्स के नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको सिद्धार्थ, बॉबी सिम्हा और लक्ष्मी मेनन देखने को मिले होंगे। उनके अलावा करुणाकरण, गुरु सोम सुंदरन, आदुकलाम नरेन, सौंदरराजन, रामचंद्र दुराईराज, सेंथिल कुमारन, सांगिली मुरुगन, बाला सिंह, थेनावल, दिल्ली गणेश, सुधा जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिले होंगे। इस फिल्म को डेवलप किया गया था 2013 में अनाउंस किया गया था। उसके बाद में फिल्म को एक के बाद एक चीज़ अनाउंस की गई थी, कास्टिंग भी तभी की गई थी और उसके बाद फिल्म की 21 नवंबर 2013 तक प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी और उसके बाद में फिल्म को 2014 एंड तक कंप्लीट करवा लिया गया था। और उसके बाद इस फिल्म में जो गाने को कंपोज किया गया था वो टोटल गाने थे 9, जहाँ पे 9 बैकग्राउंड स्कोर थे। इसके अलावा 5 टोटल सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे फिल्म का जो साउंड ट्रैक है वो बढ़िया तरीके से हिट साबित हुआ था और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी काफ़ी सारा सराहना मिली थी। रिलीज़ के बाद फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस दोनों की तरफ से हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और उसके बाद इस फिल्म को जब बाहर देश रिलीज़ किया गया वहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था। कुछ चीज़ों के चलते फिल्म ज़रूर डिले हुई थी रिलीज़ के वक्त, लेकिन उसके बाद जब एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिस वजह से फिल्म लोगों को काफ़ी सारी पसंद आई थी। जिगर ठंडा फिल्म के जो तमिल और सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए थे स्टार विजय ने, यानी कि स्टार विजय के चैनल पर फिल्म आपको टेलीविज़न पर तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी और इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास, जिन्होंने जिगर ठंडा फिल्म को सेम नाम के साथ वहाँ पे अवेलेबल करवाया हुआ है विथ इंग्लिश सबटाइटल और वो फिल्म आप बिल्कुल फ्री में वहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से इस फिल्म को सभी प्लेटफॉर्म पे ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ है। इस फिल्म ने करीबन 25 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड रन लिया था तब उस टाइम में 46 करोड़ के आसपास 2014 में ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और एक 2014 की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी, जिस वजह से जिगरथंडा फिल्म एक अच्छी खासी क्लासिकल कल्ट क्लासिक फिल्म में शामिल हो गई थी, जहां पे मीडियम स्टार कास्ट के साथ भी फिल्म अच्छा खासा वर्क कर गई थी। जिगरथंडा फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन राइट है वो भी बेच दिए गए थे, जिसको खरीदा हुआ था एशियन मीडिया ने। फिल्म की डबिंग भी उन्होंने 2019 तक शायद कंप्लीट करवा ली थी। एसपीएम आर्ट्स यानी कि एशियन मीडिया, जिन्होंने फिल्म को सेम नाम से सेंसर बोर्ड की तरफ से हिंदी डब वर्जन ने सेंसर सर्टिफिकेट भी करवा लिया था और ये फिल्म टेलीविज़न प्रीमियर के लिए तैयार थी, लेकिन तभी फिल्म के रीमेक राइट्स हिंदी में बेच दिए गए। बच्चन पांडे के नाम से जो 2022 में आपको रीमेक देखने को मिल रहा है, उसी की वजह से जिगरथंडा फिल्म की हिंदी डब वर्जन को रिलीज़ रोक दी गई थी। बच्चन पांडे के मेकर्स ने जिगरथंडा के मेकर्स को इस फिल्म को डब वर्जन में रिलीज़ करने के लिए मना किया गया, जिस वजह से एशियन मीडिया ने उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए फिल्म को पोस्टपोन पे रखा हुआ है। अब जब बच्चन पांडे 18 मार्च को रिलीज़ हो जाएगी, उसके बाद OTT पे अवेलेबल हो जाएगी। बाद में इस फिल्म को जिगरथंडा फिल्म को हिंदी डब वर्जन में टेलीविज़न और यूट्यूब पे अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो गडलकोंडा गणेश है वो एक और रीमेक है, वो गोलमाइंस वालों ने डब करवा के अब रिलीज डेट भी अनाउंस कर दिए, जो आपको 6 मार्च को रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे सेम नाम के साथ ढिंगचा चैनल पे देखने को मिलेगी। उसके बाद ज़रूर यूट्यूब चैनल पे वो फिल्म प्रीमियर नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि ढिंचैक पे होने वाली फिल्में प्रीमियर होने वाली फिल्में गोलमाइंस वाले तुरंत प्रीमियर नहीं करवाते हैं। गड्ढलकोंडा गणेश फिल्म के जो लीड एक्टर्स है, जो कास्टिंग है, उसमें कौन से कैरेक्टर ने क्या रोल प्ले किया था उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। वरुण तेज जो गनी के रोल में दिखाई देते हैं, जिसका पूरा नाम है गड्ढलकोंडा गणेश अथर्वा, जिन्होंने अभिलाष यानी कि अभी का रोल प्ले किया हुआ है। पूजा हेगड़े जो श्रीदेवी यानी कि देवी के रोल में दिखाई देती है। मृणालिनी रवि जिन्होंने बुजम्मा का रोल प्ले किया हुआ है। सुप्रिया पाठक जो गड्ढलकोंडा गणेश की मां के रोल में दिखाई देती है। ब्रह्मा जी जिन्होंने मुनि माणिक्यम के एक एक्टिंग कोच का रोल प्ले किया हुआ है। प्रदीप जो अभी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं। सरस्वती जो अभी की मां के रोल में दिखाई देती है। देवी प्रसाद जिन्होंने अभी के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है। सुब्बा राजू जिन्होंने प्रभाकर के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है। अन्नपूर्णा जो गनी की सेफ के रोल में दिखाई देते हैं। दानिकेला भरानी जिन्होंने थिएटर ऑपरेटर का रोल प्ले किया हुआ है। सत्या जिन्होंने चिंतकाई यानी कि अभिलाष के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। राजा रविंद्र जिन्होंने नलमुद्दू बाबजी का रोल प्ले किया हुआ है। रघु बाबू जिन्होंने फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा प्रभा श्रीनु जो आपको बलिया के रोल में दिखाई देंगे। शत्रु जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है। अप्पा जी अंबारीसा दरबा जो श्रीदेवी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं। ब्रह्मानंदम नितिन सुकुमार इनका एक गेस्ट अपीयरेंस कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलेगा। डिम्पल हयाती जरा जरा सॉन्ग में आइटम नंबर दिखाती हुई नजर आएंगी, अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएंगी। तो इस तरह से इन सभी आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है, इन सभी कैरेक्टर को उन्होंने निभाया हुआ था। स्टोरी की बात करें तो अभिलाष यानी कि अथर्वा एक अपकमिंग डायरेक्टर है, जो एक बड़ी फिल्म बनाना चाहते हैं विथ एनी कॉस्ट, और इसके लिए वो डिसाइड करते वो एक क्रिमिनल बेस्ड फिल्म बनाएंगे और उसके लिए एक कहानी के रिसर्च में निकल पड़ते हैं। और उनका सामना होता है गड्ढलकोंडा गणेश यानी कि वरुण तेज से, जो एक ब्रूटल क्रिमिनल है, और उनके बारे में जानने के बाद वो फिक्स करते हैं कि उनके ऊपर एक फिल्म बनाएंगे, उनके नज़दीक जाकर उनके बारे में जानेंगे और साथ ही में कहानी के ऊपर पूरी डिटेलिंग लेंगे और इस फिल्म को वो डायरेक्ट करेंगे। लेकिन एक पॉइंट के बाद वो सभी चीज़ें वो गड्ढलकोंडा गणेश के सामने रिवील करता है। गड्ढलकोंडा गणेश इस फिल्म के बनाने के लिए राजी तो हो जाते, अपनी लाइफ की कहानी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए राजी तो हो जाते, लेकिन वहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जहाँ पे गणेश डिमांड करता है कि वो इस फिल्म में हीरो का रोल प्ले करेगा। तो अब बाकी की कहानी यही है कि अभिलाष किस तरह से इस डेडली गैंगस्टर को हैंडल करता है, फिल्म को किस तरह से फिनिश करता है, वो सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी बनाई गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि हरीश शंकर जिन्होंने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है, उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी एक्टर्स को यूज़ किया हुआ था। जिस तरह से वरुण तेज के किरदार को उन्होंने शोकेस किया हुआ है, वो काफ़ी सुपर्ब मैनर में उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। फिल्म में एक गैंगस्टर का लुक, उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस उनके पास बेहतरीन वे में निकलवाई हुई थी। उनकी जो चेंजेस देखने को मिलते हैं डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज में, उसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी। साथ ही में फिल्म में कुछ बेसिक इमोशंस की थोड़ी बहुत आपको कमी नजर आएंगी। कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थोड़ा वीक नजर आएगा। फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंथी नजर आएगा। थोड़ी जगह पे हरीश शंकर आपको अपनी ग्रिप लूज़ होते हुए नजर आएंगे प्रोसीडिंग के टाइम सेकंड हाफ में। लेकिन बाकी जो एक अच्छा एलिमेंट होना चाहिए, गुड मास एलिमेंट, फनी एलिमेंट, वो सभी चीज़ें वो भरपूर तरह ऐड करते हुए नज़र आते हैं। इस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से वरुण तेज को एक मेकओवर किया हुआ था, उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सॉफ्ट गाय से एक हार्डकोर क्रिमिनल के रूप में, वो बेहतरीन था। उसी वजह से फिल्म पूरी तरह से एंगेजिंग नज़र आती है। फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे, वीटी डायलॉग्स सुनने को मिलते, कुछ कॉमेडी पंचेस थे, वन लाइनर्स थे, उसको बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था। हरीश शंकर ने ओवरऑल वरुण के किरदार को अच्छी तरह से लिखा हुआ था। उनकी डायलॉग डिलीवरी सुपर्ब थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज अमेजिंग थी। अथर्वा मुरली जो आपको एक डिसेंट डेब्यू करते हुए नज़र आएंगे, उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम निभाया हुआ है। उन्होंने मिकी जे मेयर के उन्होंने जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है एक डायरेक्टर, अपकमिंग डायरेक्टर के रोल में, उसमें वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे हैं। अपने परफॉर्मेंस के साथ वो फिल्म में एक अलग इम्पैक्ट छोड़ते हुए नज़र आते हैं। मिकी जे मेयर जिनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी टॉप नॉच वाला था, उन्होंने बढ़िया तरीके से फिल्म को सपोर्ट का हो ऐसा बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था। फिल्म का जो माहौल है, जो जॉनर है, उसके हिसाब से बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट हुआ था, जो फिल्म को एक अलग लेवल पे एलिवेट करने में कामयाब हो रहा था। इस फिल्म में कॉमेडियन सत्या आपको देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपना रोल काफ़ी हिलेरियस वे में निभाया हुआ है। उन्होंने जिस तरह से अपने कॉमेडी सीक्वेंस को डिलीवर किया हुआ है, वो सुपर पंचेस आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ब्रह्मा जी जो टीचर के रोल में काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम करते हुए नजर आते हैं, उन्होंने क्रूशल पॉइंट पर अपना काम दिखाया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया है। फिल्म के क्रूशल पॉइंट पर उनका रोल आता है और वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहती है। उन्होंने जितने भी वन लाइनर्स डिलीवर किए हुए, अपने कॉमिक पंचेस को कॉमिक टाइमिंग जिस तरह से डिलीवर किए हुए, वो काफ़ी बढ़िया थी। वो फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट्स देने में कामयाब रहती है, वहाँ पे आप ज़रूर हंस पड़ोगे। पूजा हेगड़े फिल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी, दिखने में काफ़ी गोर्जियस और सिंपल नज़र आ रही थी। वो श्रीदेवी का रोल प्ले कर रही है फिल्म में, उनका रोल जितनी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना जो वक्त है वो एड किया हुआ था। अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू उन्होंने अपना टैलेंट ज़रूर दिखाया हुआ था। हाँ, उनका एक गेस्ट रोल बोल सकते, रोल छोटा था, लेकिन जितना भी काम था उसमें वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी। सुप्रिया पाठक जो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने माँ का रोल प्ले करते हुए नजर आती है। राजा रवि को एक अच्छा रोल मिला हुआ था, अपने अच्छे रोल के साथ वो एक नीट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते। फर्स्ट हाफ को बढ़िया तरीके से स्टेब्लिश किया हुआ था डायरेक्टर ने, जहाँ पे वरुण के किरदार को अच्छी तरह से एक ग्रेटेड क्रिमिनल के तौर पे हमारे सामने पेश किया हुआ था। वहाँ पे बढ़िया मसाला एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में उन सभी सीक्वेंस के साथ अच्छी अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिलती है। इस फिल्म को तेलुगु वर्जन के हिसाब से तमिल वर्जन से थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए नज़र आएंगे, जहाँ पे कुछ कॉमेडी सीक्वेंस है, कुछ चीज़ें जो फिल्म को अलग करी हुई है, जो तेलुगु नेटिविटी है उस हिसाब से चेंज किया हुआ है, लेकिन वो सभी चीज़ें अच्छे वे में जाती है। इस फिल्म की लेंथ थोड़ी ज़रूर बढ़ी है, जहाँ पे हरीश शंकर फिल्म को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन उसको इस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम ले लेते। इसके बाद सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें, उसकी प्रोसीडिंग बढ़िया नहीं थी, इमोशंस की कमी थी, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे क्लाइमैक्स में जिस तरह से ऐड की हुई थी वो फोर्सफुल ऐड की हो ऐसा नज़र आ रहा था। पूजा हेगड़े का जो ट्रैक है वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन सीन्स थे, लेकिन उन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी ऐसा नज़र आ रहा था। उसे आसानी से क्रिस्प किया जा सकता था। अथर्व और वरुण तेज के बीच में जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन थे को और एंटरटेनिंग मैनर में दिखाया जा सकता था, तो ये कुछ एक दो चीज़ें उसको सुधारा जा सकता था। ओवरऑल फिल्म में जो मास एलिमेंट है, वरुण तेज का जो मेकओवर है, जो फिल्म की स्टोरी लाइन है, जो इंटरवल ब्लॉक है, जो कॉमेडी सीक्वेंस है, इन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने काफ़ी बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ है। तो गड्ढलकोंडा गणेश फिल्म एक अच्छी मास ड्रामा फिल्म है, जहाँ पर बढ़िया तरीके से आपको मास एलिमेंट्स के थ्रू एक प्रोसीडिंग देखने को मिलती है, जो परफॉर्मेंसेस है वो शानदार देखने को मिलती है। जिस तरह से ये जो कैरेक्टर बनाए हुए वो बढ़िया है, सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलती है, बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिलते हैं। इसके अलावा एडिटिंग को थोड़ा कट कम किया जा सकता था, फिल्म को 15-20 मिनट छोटा किया जा सकता था। ओवरऑल फिल्म की एडिटिंग भी बढ़िया है, प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छी थी, फिल्म के लिरिक्स अच्छे थे, डायलॉग्स बढ़िया थे, साथ ही में जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफ़ी टॉप नॉच की थी, जिस वजह से स्क्रीन में हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी। तो ये ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है जिसे ज़रूर देखा जा सकता है। अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन ज़रूर फुलफिल हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है, ये रीमेक ज़रूर है लेकिन एक अच्छा रीमेक है जिसे ज़रूर देख सकते हो। तो इस फिल्म को अगर आप तेलुगु वर्जन में देखना चाहते हो तो गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से इसको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल करवाया हुआ है, जहाँ पर इस फिल्म को आप ज़रूर इन्जॉय कर पाओगे। गड्ढलकोंडा माउंट अगनिस के नाम से डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने उनकी वेबसाइट पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। तो वहाँ पे आपको विदाउट सब्सक्रिप्शन ये फिल्म तेलुगु वर्जन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है जिगरथंडा, वो भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने ही खरीदा हुआ है और वो जिगरथंडा फिल्म भी तमिल वर्जन में अवेलेबल की हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल वो फिल्म भी आप इंजॉय कर पाओगे। तो गड्डलकोंडा गणेश और जिगरथंडा दोनों तमिल और तेलुगु वर्जन आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे। जहाँ पे अब बात करें हिंदी डब वर्जन की, तो फिल्म को पहले तो वाल्मीकि के नाम से डब करके रिलीज करने वाले थे, लेकिन अब नाम फिर से चेंज हो चुका है जिसको ओरिजिनल नाम दे दिया गया है गड्डलकोंडा गणेश। अब गोल्डमाइंस वालों ने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए और उन्होंने ही इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स भी खरीदे हुए। तो ये फिल्म आपको पहले सैटेलाइट चैनल ढिंचाक पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे फिल्म का जो पहला वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर है वो है 6 मार्च रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक टेलीविजन चैनल पे सेम नाम के साथ। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि गड्डलकोंडा व गणेश का पहला हिंदी डब वर्जन टेलीविजन प्रीमियर 6 मार्च 2022 रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक चैनल पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद इस फिल्म का यूट्यूब प्रीमियर ज़रूर होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। इस फिल्म का यूट्यूब प्रीमियर करीबन काफ़ी समय के बाद, क्योंकि ढिंचाक पे प्रीमियर होने वाली फिल्म में गोल्डमाइंस वाले तुरंत उनके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं करवाते हैं, लेकिन जब कभी भी इस फिल्म का ऑफिशियल यूट्यूब प्रीमियर होगा तो वो गोल्डमाइंस के ही चैनल पर करवाया जाएगा, जहाँ पर ये फिल्म आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा सैटेलाइट चैनल ढिंचाक के ऊपर इस फिल्म को बारी बारी से प्रीमियर करवाने ही वाले, जहाँ पे इस फिल्म को आप ज़रूर एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से सभी वर्जन यानी कि तमिल, तेलुगु, हिंदी डब और साथ ही में हिंदी वर्जन जो बच्चन पांडे नाम से 18 मार्च को आ रहा है, इन सभी तरह के जिस तरह से मैंने बताया उन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख सकोगे। गड्डलकोंडा गणेश जो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, इस फिल्म को पहले नाम दिया गया था वाल्मीकि, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज के चलते फिर से बाद में गड्डलकोंडा गणेश नाम देकर फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था। सेम सिचुएशन हिंदी वर्जन में भी आई हुई थी, जहाँ पे गड्डलकोंडा गणेश के नाम से इस फिल्म को जब तेलुगु में रिलीज़ किया गया, उसके बाद हिंदी डब वर्जन के राइट सोल्ड आउट किए थे गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स ने, जिन्होंने फिल्म की डबिंग वाल्मीकि के नाम से कंप्लीट करवाई हुई थी। और ये फिल्म वो जल्दी वाल्मीकि के नाम से उनके टेलीविजन चैनल ढिंचाक पे प्रीमियर करवाने वाले थे, जहां पे 6 मार्च 2022 को रात को 8 बजे के टाइम पे वो ढिंचाक टेलीविजन चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले थे, और जहां पे उस फिल्म का नाम रखा गया था वाल्मीकि। लेकिन हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि के नाम से थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जिस वजह से फिल्म को फिर से सेंसर करवा के गड्डलकोंडा गणेश के नाम से अब टेलीविजन पे प्रीमियर करवाने वाले हैं, जहाँ पे टेलीविजन प्रीमियर डेट सेम है, यानी कि ये फिल्म आपको ढिंचाक टेलीविजन चैनल पे रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे 6 मार्च को देखने को मिलेगी। गड्डलकोंडा गणेश के नाम से सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी पूरा कंटेंट सेम है। तो ये फिल्म आपको गड्डलकोंडा गणेश के नाम से 6 मार्च को रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से अब इस फिल्म का जो नाम चेंज हुआ है तो कुछ डायलॉग में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। गड्डलकोंडा गणेश फिल्म को तेलुगु वर्जन में एक एक्शन कॉमेडी के तौर पे रिलीज़ किया गया था, जहां पे फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था हरीश शंकर ने, स्क्रीन प्ले था वो मधु श्रीनिवास और मिथुन चैतन्य ने क्रिएट किया हुआ था। जहां पे गड्डलकोंडा गणेश फिल्म 2014 की तमिल लैंग्वेज जिगरथंडा का ऑफिशियल रीमेक वर्जन है। इस फिल्म का एक और रीमेक वर्जन है जिसको नाम दिया हुआ है बच्चन पांडे, जिसको अक्षय कुमार और कृति सेनन के साथ बनाया गया है हिंदी वर्जन में, जो 18 मार्च से थिएटर में लगने वाली है। तो इस तरह से इससे पहले इस फिल्म का जो तेलुगु रीमेक है उसके हिंदी राइट्स खरीद कर डब करवाकर गोल्डमाइंस वाले इस फिल्म को 6 मार्च को रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक टेलीविजन चैनल पे प्रीमियर करवा देंगे, जिस वजह से इस फिल्म की अच्छी खासी कंपटीशन होगी अक्षय कुमार स्टारर बच्चन पांडे से। बच्चन पांडे को थोड़ा बहुत लॉस उठाना पड़ेगा क्योंकि ये फिल्म हिंदी में पहले आ जाएगी, क्योंकि गड्डलकोंडा गणेश में चेंजेस ज़रूर देखने को मिलते हैं जिगरथंडा के मुकाबले, लेकिन वो तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए, जिस तरह से हिंदी वर्जन में भी बॉलीवुड की रिगार्डिंग जो चेंजेस होते हैं वो करके देने वाले फिल्म में। तो सेम वे में ऐसा किया हुआ है, लेकिन जो बेसिक कोर पॉइंट है वो सेम है, जिस वजह से गड्डलकोंडा गणेश अगर आप फिल्म देख लेते हो तो बच्चन पांडे देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब बात करें जिगर ठंडा की तो वो 2014 की फिल्म थी, तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन वो फिल्म भी कोई प्रॉपर ओरिजिनल नहीं है। ये डर्टी कार्निवल करके एक साउथ कोरियन फिल्म थी जो 2006 में रिलीज की गई थी, उस फिल्म से इस फिल्म का इंस्पिरेशन है। यानी कि जो साउथ कोरियन फिल्म है अ डर्टी कार्निवल, उससे इंस्पायर्ड होकर जिगर ठंडा बनाई गई है। हाँ, जिगर ठंडा में काफ़ी सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो तमिल नेटिविटी है उसके हिसाब से काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए। अब बात कर लेते हैं गड्ढलकोंडा गणेश के बारे में, जहाँ पे इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स है वो है राम अचंटा और गोपी अचंटा, जिन्होंने इस फिल्म को 14 रील्स प्लस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों किया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जहाँ पे इस फिल्म के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के उसके ऊपर बात करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुए एंक्स का बोस ने, एडिटिंग की हुए छोटा के प्रसाद ने, म्यूजिक दिया हुआ मिकी जे मेयर ने, और इस फिल्म को 20 सितंबर 2019 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जहां पे 25 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 42 करोड़ और 50 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया होता, जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, जिसको करीबन 172 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था। जहां पे इस फिल्म का एक्शन थ्रिलर जॉनर को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट दिया गया था, और इस फिल्म को IMDb पे 6.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था, और IMDb पे करीबन 1100 वोट किए गए थे। तो इस तरह से इस टाइप की सिचुएशन के हिसाब से फिल्म को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे वाल्मीकि के नाम से चेंज कर इस फिल्म को गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था। कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज और लीगल डिस्प्यूट के चलते फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा था, उसके बावजूद फिल्म अच्छा खासा एक मार्केट ले गई और फिल्म ने एक हिट का टैग ले लिया था। तो इस तरह से फिल्म को बनाकर रिलीज़ किया गया था, जहां पे 20 सितंबर 2019 को फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला था। कास्टिंग की बात करें तो वरुण तेज, अथर्व, पूजा हेगड़े, मृणालिनी रवि, सुप्रिया पाठक लीड रोल में देखने को मिलेंगे। ब्रह्मा जी, प्रदीप सरस्वती, देवी प्रसाद, सुब्बराजू, अन्नपूर्णा, तनिकेला भरानी, सत्या, राज रविंद्रन, रघु बाबू, प्रभा श्रीनु, शत्रु, अप्पाजी अंबारिसा, दरभा, ब्रह्मानंदम का एक कैमियो अपीयरेंस है, नितिन सुकुमार इनका भी कैमियो अपीयरेंस है, साथ ही में डिम्पल हयाती का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा जरा जरा सॉन्ग में। तो ये बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट में काम करते हुए नजर आएंगे। तो इतने एक्टर्स है जिन्होंने फिल्म में कुछ मुख्य किरदार निभाए हुए हैं। अब वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं उसके ऊपर मैं आपको बाद में डिटेलिंग दूंगा। प्रोडक्शन के ऊपर की बात करें तो 26 जनवरी 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। दिलराजू सुकुमार को बुलाया गया था लॉन्च इवेंट पे, और इसका लॉन्च इवेंट करा गया था रामानायडू फिल्म स्टूडियो हैदराबाद में। फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया गया था फरवरी 2019 में, जहां पे अथर्वा जो फिल्म के सेकंड लीड एक्टर है उन्होंने इस फिल्म को ज्वाइन किया हुआ था मार्च 2019 में। बाद में फिल्म में थोड़े बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ पूजा हेगड़े को कंफर्म किया गया, जिनको जुलाई में कंफर्म किया गया था और जुलाई में ही उन्होंने सेट ज्वाइन किया हुआ था। मिकी जे मेयर जो इस फिल्म का म्यूजिक देते हुए नजर आएंगे आपको, इससे पहले इस फिल्म का म्यूजिक का कमान दिया गया था देवी श्री प्रसाद, लेकिन इनिशियल अनाउंस के तौर पर इनका नाम लिया गया था, लेकिन बाद में मिकी जे मेयर को लाया गया था, क्योंकि देवीश्री प्रसाद के पास ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट थे जिस वजह से वो इस प्रोजेक्ट पे उतना ध्यान नहीं दे पाए थे, जिस वजह से जो डेट इश्यू थे उसके चलते मिकी जे मेयर के पास इस फिल्म का म्यूजिक चला गया था। अब इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बात करें तो फिल्म में टोटल 4 गानों को कंपोज किया गया है, जिसकी लेंथ है 13 मिनट 10 सेकंड, और इसको लेबल किया गया है सोनी म्यूजिक और सारेगामा पा के नीचे, जहां पे सारेगामा वालों ने इलुवच्ची गोदरम्मा वाला गाना है वो लेबल किया हुआ है, बाकी 3 गाने हैं वो सोनी म्यूजिक के पास है। अब इस फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसको रिकॉर्ड किया गया था 2019 में, और इन 2 लेबल्स के नीचे इन 4 गानों को रिलीज़ किया गया था, जिसमें से 3 गाने सोनी म्यूजिक के पास है और एक गाने सारेगामा पा के पास है, और इसको 5 सितंबर 2019 में रिलीज़ किया गया था, जहां पे पहला गाना जर्रा जर्रा, जिसमें डिम्पल हयाती का एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है, उसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर भारती, रवि कुमार, जिसके सिंगर है अनुराग कुलकर्णी और उमा स्नेहा। इस गाने की लेंथ है 3 मिनट 1 सेकंड। दूसरा गाना गगन्ना विधि लो, जिसके लिरिक्स लिखे हुए वानमली ने, सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी और श्वेता सुब्रमण्यम, और इसके गाने की लेंथ है 3 मिनट 15 सेकंड। तीसरा गाना वक्का वक्का, जिसके लिरिक्स लिखे हुए चंद्र बोस और सिंगर है अनुराग कुलकर्णी, मिकी जे मेयर, गाने की लेंथ थी 3 मिनट 27 सेकंड। चौथा गाना इलुवच्ची गोदरम्मा, इस गाने को लेबल किया हुआ है सारेगामा ने। इसका एक रीज़न है, ये ओरिजिनल गाना नहीं है। येलुवच्ची करके एक गाना आया हुआ था 1982 में देवता फिल्म से, जो तेलुगु वर्जन की फिल्म थी, तो उस फिल्म का वो गाना था, उसको रिक्रिएट करके रिमिक्स करके बनाया गया था, जिस वजह से इसका लेबल है सारेगामा। और इसको कंपोज किया हुआ था मिकी जे मेयर ने, और लिरिक्स है वो लिखे हुए वेट्टूरी सुंदरम्मा मूर्ति ने। सिंगर की बात करें तो एसपी बाला सुब्रमण्यम और पी सुशीला, इन दोनों ने मिलकर इलुवच्ची गोदरम्मा गाने को गाया हुआ था, जिसकी लेंथ थी 3 मिनट 27 सेकंड। तो इस तरह से 4 गानों की जो टोटल लेंथ निकल के आई हुई है वो है 13 मिनट 10 सेकंड। तो इस तरह से फुल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक को रिलीज़ किया गया था 5 सितंबर 2019 को। तो इस साउंड ट्रैक के ऊपर मैंने आपको डिटेलिंग दे दी है। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज के ऊपर। तो वाल्मीकि नाम से इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। कुछ दिनों के बाद फिल्म के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई इस नाम को लेकर, क्योंकि वाल्मीकि के नाम से एक संत आए हुए थे, तो उनको एक नेगेटिव शेड में फिल्म में दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है। उनके नाम को यूज़ करना थोड़ा लोगों में खटक रहा था, जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग एक केस दर्ज हुआ था आंध्र प्रदेश में अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तभी प्रोटेस्ट किया गया था इस फिल्म के रिगार्डिंग, क्योंकि पहले ही नाम अनाउंस हो चुका था, जिस वजह से इस फिल्म ने के जो कम्युनिटी है उन्होंने फिल्म के क्रू मेंबर के ऊपर अटैक करवाया हुआ था, और उसके बाद में फिल्म की शूटिंग भी आधे में रोक दी गई थी। तो इतना कुछ होने के बाद फिल्म के जो शूटिंग स्टार्ट करने के लिए फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा, जिसको नाम दिया गया बाद में गड्ढलकोंडा गणेश। और जब रिलीज़ के बारी आई तब फिल्म को नाम चेंज करके रिलीज़ किया गया, जहाँ पे सितंबर 2019 में तेलंगाना हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी, जहाँ पे आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना कोर्ट में इसकी पिटीशन के थ्रू वाल्मीकि से इस फिल्म को नाम दिया गया गड्ढलकोंडा गणेश, जिस वजह से फिल्म के रिलीज़ के 6 घंटे पहले इस फिल्म का नाम गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था, चेंज किया गया था, जिस वजह से इस फिल्म को वाल्मीकि की जगह गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था। मार्केटिंग रिलीज़ की बात करें तो जून 2019 में 14 रील्स प्लस के द्वारा इस फिल्म का फ्री टीज़र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया था। 15 अगस्त 2019 को टीम के थ्रू इस फिल्म का टीज़र रिलीज़ किया गया था, और उसके बाद में प्रोमोटिंग फिल्म के जो सिंगल्स थे एल्बम में से एक के बाद एक प्रोमोट के लिए रिलीज़ किए गए थे। फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर है उसको 14 रील प्लस के यूट्यूब चैनल पे अनवील किया गया था 9 सितंबर 2019 को। फिल्म को शेड्यूल किया गया था 13 सितंबर 2019 को रिलीज़ करने के लिए, लेकिन नानी स्टार और गैंग लीडर फिल्म थी, उसके साथ ये फिल्म क्लेश हो रही थी, जिस वजह से फिल्म को बाद में 1 वीक पोस्टपोन करना पड़ा, और उसके बाद फिल्म को 20 सितंबर 2019 को फाइनली रिलीज़ किया गया था, जहां पे फिल्म करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ रिलीज़ की गई थी, और बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन करके दिखा दिया था। इसी के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट का टैग ले गई थी। इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए हुए थे गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने, जिन्होंने रिलीज़ के वक्त ही फिल्म के राइट्स खरीद लिए थे, और बाद में फिल्म को उन्होंने डब करवा दिया, और उसके बाद अब वो ढिंचाक चैनल पर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले, जहाँ पे 6 मार्च 2022 को रात को 8 बजे के टाइम पर रविवार के दिन इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि गड्ढलकोंडा गणेश के ही नाम से रिलीज़ करने वाले। इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि नाम दिया गया था, लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया। इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया था तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, जहां पे क्रिटिक्स ने वरुण तेज की परफॉर्मेंस काफ़ी सराहना की गई थी। वो अभी तक एक चॉकलेट बॉय वाला किरदार प्ले करते हुए नजर आ रहे थे, सॉफ्ट बॉय का किरदार प्ले कर रहे थे, अचानक एक गैंगस्टर में ट्रांसफॉर्मेशन वाला रोल देखने को मिला, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया था। फिल्म में कुछ कॉमेडी थी जो लोगों को थोड़ी ज़्यादा फोर्स की हुई नज़र आ रही थी, जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़े मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर एक बढ़िया हिट का टैग ले गई थी। इस फिल्म ने जिस फिल्म का रीमेक किया हुआ है यानी कि जिगर ठंडा, उसके बारे में बात करें तो जिगर ठंडा जिसका मीनिंग होता है कोल्ड हार्टेड, जो 2014 की तमिल लैंग्वेज एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कार्तिक सुब्बराज ने। ये फिल्म अ डर्टी कार्निवल से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म का काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में डब वर्जन निकल चुका है और रीमेक वर्जन भी निकल चुका है, जहाँ पे तेलुगु डब वर्जन 2016 में चिकड्डू दुक्कडू के नाम से रिलीज किया गया था। साथ ही में कन्नड़ा में रीमेक किया गया था सेम टाइटल के साथ 2016 में। उसके बाद 2019 में गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था। उसी के साथ हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से 2022 में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म आने वाली है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ कार्तिक सुब्बराज ने। स्टोरी आइडिया, स्क्रीन प्ले, वो सभी चीज़ें भी उनकी ही थी। प्रोड्यूसर्स काथिरेसन ने इस फिल्म को एसएमएस पिक्चर्स सॉरी ग्रुप कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था और एसएमएस पिक्चर और कल संगम फिल्म्स के नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको सिद्धार्थ, बॉबी सिम्हा और लक्ष्मी मेनन देखने को मिले होंगे। उनके अलावा करुणाकरण, गुरु सोम सुंदरन, आदुकलाम नरेन, सौंदरराजन, रामचंद्र दुराईराज, सेंथिल कुमारन, सांगिली मुरुगन, बाला सिंह, थेनावल, दिल्ली गणेश, सुधा जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिले होंगे। इस फिल्म को डेवलप किया गया था 2013 में अनाउंस किया गया था। उसके बाद में फिल्म को एक के बाद एक चीज़ अनाउंस की गई थी, कास्टिंग भी तभी की गई थी और उसके बाद फिल्म की 21 नवंबर 2013 तक प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी और उसके बाद में फिल्म को 2014 एंड तक कंप्लीट करवा लिया गया था। और उसके बाद इस फिल्म में जो गाने को कंपोज किया गया था वो टोटल गाने थे 9, जहाँ पे 9 बैकग्राउंड स्कोर थे। इसके अलावा 5 टोटल सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे फिल्म का जो साउंड ट्रैक है वो बढ़िया तरीके से हिट साबित हुआ था और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी काफ़ी सारा सराहना मिली थी। रिलीज़ के बाद फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस दोनों की तरफ से हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। और उसके बाद इस फिल्म को जब बाहर देश रिलीज़ किया गया वहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था। कुछ चीज़ों के चलते फिल्म ज़रूर डिले हुई थी रिलीज़ के वक्त, लेकिन उसके बाद जब एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिस वजह से फिल्म लोगों को काफ़ी सारी पसंद आई थी। जिगर ठंडा फिल्म के जो तमिल और सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए थे स्टार विजय ने, यानी कि स्टार विजय के चैनल पर यह फिल्म आपको टेलीविज़न पर तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी। और इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास, जिन्होंने जिगर ठंडा फिल्म को सेम नाम के साथ वहाँ पर अवेलेबल करवाया हुआ है विथ इंग्लिश सबटाइटल और वो फिल्म आप बिल्कुल फ्री में वहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से इस फिल्म को सभी प्लेटफॉर्म पे ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ है। इस फिल्म ने करीबन 25 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड रन लिया था तब उस टाइम में 46 करोड़ के आसपास 2014 में ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और एक 2014 की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी, जिस वजह से जिगर ठंडा फिल्म एक अच्छी खासी क्लासिकल कल्ट क्लासिक फिल्म में शामिल हो गई थी, जहां पे मीडियम स्टार कास्ट के साथ भी फिल्म अच्छा खासा वर्क कर गई थी। जिगर ठंडा फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन राइट है वो भी बेच दिए गए थे, जिसको खरीदा हुआ था एशियन मीडिया ने। फिल्म की डबिंग भी उन्होंने 2019 तक शायद कंप्लीट करवा ली थी। SPM आर्ट्स यानी कि एशियन मीडिया, जिन्होंने फिल्म को सेम नाम से सेंसर बोर्ड की तरफ से हिंदी डब वर्जन ने सेंसर सर्टिफिकेट भी करवा लिया था और ये फिल्म टेलीविज़न प्रीमियर के लिए तैयार थी, लेकिन तभी फिल्म के रीमेक राइट्स हिंदी में बेच दिए गए बच्चन पांडे के नाम से, जो 2022 में आपको रीमेक देखने को मिल रहा है। उसी की वजह से जिगर ठंडा फिल्म की हिंदी डब वर्जन को रिलीज़ रोक दी गई थी। बच्चन पांडे के मेकर्स ने जिगर ठंडा के मेकर्स को इस फिल्म को डब वर्जन में रिलीज़ करने के लिए मना किया गया, जिस वजह से एशियन मीडिया ने उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए फिल्म को पोस्टपोन पे रखा हुआ है। अब जब बच्चन पांडे 18 मार्च को रिलीज़ हो जाएगी, उसके बाद OTT पे अवेलेबल हो जाएगी। बाद में इस फिल्म को जिगर ठंडा फिल्म को हिंदी डब वर्जन में टेलीविज़न और यूट्यूब पे अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो गड्ढलकोंडा गणेश है वो एक और रीमेक है, वो गोलमाइंस वालों ने डब करवा के अब रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है, जो आपको 6 मार्च को रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पर सेम नाम के साथ ढिंचा चैनल पे देखने को मिलेगी। उसके बाद ज़रूर यूट्यूब चैनल पे वो फिल्म प्रीमियर नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि ढिंचाक पे होने वाली फिल्में प्रीमियर होने वाली फिल्में गोलमाइंस वाले तुरंत प्रीमियर नहीं करवाते हैं। गड्ढलकोंडा गणेश फिल्म के जो लीड एक्टर्स है, जो कास्टिंग है, उसमें कौन से कैरेक्टर ने क्या रोल प्ले किया था उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। वरुण तेज जो गनी के रोल में दिखाई देते हैं, जिसका पूरा नाम है गड्ढलकोंडा गणेश। अथर्वा जिन्होंने अभिलाष यानी कि अभी का रोल प्ले किया हुआ है। पूजा हेगड़े जो श्रीदेवी यानी कि देवी के रोल में दिखाई देती है। मृणालिनी रवि जिन्होंने बुजम्मा का रोल प्ले किया हुआ है सुप्रिया पाठक, जो गड्ढलकोंडा गणेश की माँ के रोल में दिखाई देती है। ब्रह्मा जी जिन्होंने मुनि माणिक्यम के एक एक्टिंग कोच का रोल प्ले किया हुआ है। प्रदीप जो अभी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं। सरस्वती जो अभी की माँ के रोल में दिखाई देती है। देवी प्रसाद जिन्होंने अभी के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है। सुब्बराजू जिन्होंने प्रभाकर के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है। अन्नपूर्णा जो गनी की सेफ के रोल में दिखाई देते हैं। दानिकेला भरानी जिन्होंने थिएटर ऑपरेटर का रोल प्ले किया हुआ है। सत्या जिन्होंने चिंतकाई यानी कि अभिलाष के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। राजा रविंद्र जिन्होंने नलमुद्दू बाबजी का रोल प्ले किया हुआ है। रघु बाबू जिन्होंने फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा प्रभा श्रीनु जो आपको बलिया के रोल में दिखाई देंगे। शत्रु जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है। अप्पाजी अंबारीसा दरबा जो श्रीदेवी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं। ब्रह्मानंदम नितिन सुकुमार इनका एक गेस्ट अपीयरेंस कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलेगा। डिम्पल हयाती जरा जरा सॉन्ग में आइटम नंबर दिखाती हुई नजर आएंगी, अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएंगी। तो इस तरह से इन सभी आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है, इन सभी कैरेक्टर को उन्होंने निभाया हुआ था। स्टोरी की बात करें तो अभिलाष यानी कि अथर्वा एक अपकमिंग डायरेक्टर है जो एक बड़ी फिल्म बनाना चाहते हैं विथ एनी कॉस्ट, और इसके लिए वो डिसाइड करते वो एक क्रिमिनल बेस्ड फिल्म बनाएंगे और उसके लिए एक कहानी के सर रिसर्च में निकल पड़ते हैं। और उनका सामना होता है गड्ढलकोंडा गणेश यानी कि वरुण तेज से, जो एक ब्रूटल क्रिमिनल है। और उनके बारे में जानने के बाद वो फिक्स करते हैं कि उनके ऊपर एक फिल्म बनाएंगे, उनके नज़दीक जाकर उनके बारे में जानेंगे और साथ ही में कहानी के ऊपर पूरी डिटेलिंग लेंगे और इस फिल्म को वो डायरेक्ट करेंगे। लेकिन एक पॉइंट के बाद वो सभी चीज़ें वो गड्ढलकोंडा गणेश के सामने रिवील करता है। गड्ढलकोंडा गणेश इस फिल्म के बनाने के लिए राजी तो हो जाते, अपनी फिल्म अपनी लाइफ की कहानी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए राजी तो हो जाते, लेकिन वहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जहाँ पे गणेश डिमांड करता है कि वो इस फिल्म में हीरो का रोल प्ले करेगा। तो अब बाकी की कहानी यही है कि अभिलाष किस तरह से इस डेडली गैंगस्टर को हैंडल करता है, फिल्म को किस तरह से फिनिश करता है, वो सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी बनाई गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि कार्तिक सुब्बराज इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि हरीश शंकर जिन्होंने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है, उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी एक्टर्स को यूज़ किया हुआ था। जिस तरह से वरुण तेज के किरदार को उन्होंने शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी सुपर्ब मैनर में उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। फिल्म में एक गैंगस्टर का लुक, उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस उनके पास बेहतरीन वे में निकलवाई हुई थी। उनकी जो चेंजेस देखने को मिलते हैं डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज में, उसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी। साथ ही में फिल्म में कुछ बेसिक इमोशंस की थोड़ी बहुत आपको कमी नजर आएंगी। कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थोड़ा वीक नजर आएगा। फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंथी नजर आएगा। थोड़ी जगह पे हरिशंकर आपको अपनी ग्रिप लूज होते हुए नजर आएंगे प्रोसीडिंग के टाइम सेकंड हाफ में। लेकिन बाकी जो एक अच्छा एलिमेंट होना चाहिए, गुड मास एलिमेंट, फनी एलिमेंट, वो सभी चीज़ें वो भरपूर तरह एड करते हुए नजर आते हैं। इस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से वरुण तेज को एक मेकओवर किया हुआ था, उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सॉफ्ट गाय से एक हार्डकोर क्रिमिनल के रूप में, वो बेहतरीन था। उसी वजह से फिल्म पूरी तरह से एंगेजिंग नजर आती है। फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे, वीटी डायलॉग्स सुनने को मिलते, कुछ कॉमेडी पंचेस थे, वन लाइनर्स थे, उसको बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था। हरीश शंकर ने ओवरऑल वरुण के किरदार को अच्छी तरह से लिखा हुआ था। उनकी डायलॉग डिलीवरी सुपर्ब थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज अमेजिंग थी। अथर्वा मुरली जो आपको एक डिसेंट डेब्यू करते हुए नजर आएंगे, उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम निभाया हुआ है। उन्होंने मिकी जे मेयर उन्होंने जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है एक डायरेक्टर अपकमिंग डायरेक्टर के रोल में, उसमें वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे हैं। अपने परफॉर्मेंस के साथ वो फिल्म में एक अलग इम्पैक्ट छोड़ते हुए नजर आते हैं। मिकी जे मेयर जिनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी टॉप नॉच वाला था, उन्होंने बढ़िया तरीके से फिल्म को सपोर्ट का हो ऐसा बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था। फिल्म का जो माहौल है, जो जोनर है, उसके हिसाब से बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट हुआ था, जो फिल्म को एक अलग लेवल पे एलिवेट करने में कामयाब हो रहा था। इस फिल्म में कॉमेडियन सत्या आपको देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपना रोल काफ़ी हिलेरियस वे में निभाया हुआ है। उन्होंने जिस तरह से अपने कॉमेडी सीक्वेंस को डिलीवर किया हुआ है वो सुपर्ब, पंचेस आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ब्रह्मा जी जो टीचर के रोल में काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम करते हुए नजर आते हैं, उन्होंने क्रूशल पॉइंट पर अपना काम दिखाया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया है। फिल्म के क्रूशल पॉइंट पर उनका रोल आता है और वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहती है। उन्होंने जितने भी वन लाइनर्स डिलीवर किए हुए अपने कॉमिक पंचेस को कॉमिक टाइमिंग जिस तरह से डिलीवर किए हुए वो काफ़ी बढ़िया थी। वो फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट्स देने में कामयाब रहती है, वहाँ पे आप ज़रूर हंस पड़ोगे। पूजा हेगड़े फिल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी, दिखने में काफ़ी गोर्जियस और सिंपल नज़र आ रही थी। वो श्रीदेवी का रोल प्ले कर रही है फिल्म में, उनका रोल जितनी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना जो वक्त है वो एड किया हुआ था। अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू उन्होंने अपना टैलेंट ज़रूर दिखाया हुआ था। हाँ, उनका एक गेस्ट रोल बोल सकते हैं, रोल छोटा था, लेकिन जितना भी काम था उसमें वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी। सुप्रिया पाठक जो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने माँ का रोल प्ले करते हुए नज़र आती है। राजा रवि को एक अच्छा रोल मिला हुआ था, अपने अच्छे रोल के साथ वो एक नीट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते। फर्स्ट हाफ को बढ़िया तरीके से स्टेब्लिश किया हुआ था डायरेक्टर ने, जहाँ पे वरुण के किरदार को अच्छी तरह से एक रेटेड क्रिमिनल के तौर पे हमारे सामने पेश किया हुआ था। वहाँ पे बढ़िया मसाला एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में उन सभी सीक्वेंस के साथ अच्छी अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिलती है। इस फिल्म को तेलुगु वर्जन के हिसाब से तमिल वर्जन से थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए नज़र आएंगे, जहाँ पे कुछ कॉमेडी सीक्वेंस है, कुछ चीज़ें जो फिल्म को अलग करे हुए जो तेलुगु नेटिविटी है उस हिसाब से चेंज किया हुआ है, लेकिन वो सभी चीज़ें अच्छे वे में जाती है। इस फिल्म की लेंथ थोड़ी ज़रूर बड़ी है, जहाँ पे हरिशंकर फिल्म को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन उसको इस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम ले लेते। इसके बाद सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें उसकी प्रोसीडिंग बढ़िया नहीं थी, इमोशंस की कमी थी, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे क्लाइमैक्स में जिस तरह से ऐड की हुई थी वो फोर्सफुली ऐड की हो ऐसा नज़र आ रहा था। पूजा हेगड़े का जो ट्रैक है वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन सीन्स थे, लेकिन उन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी ऐसा नज़र आ रहा था। उसे आसानी से क्रिस्प किया जा सकता था। अथर्व और वरुण तेज के बीच में जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन थे उसको और एंटरटेनिंग मैनर में दिखाया जा सकता था, तो एक दो चीज़ें उसको सुधारा जा सकता था। ओवरऑल फिल्म में जो मास एलिमेंट है, वरुण तेज का जो मेकओवर है, जो फिल्म की स्टोरी लाइन है, जो इंटरवल ब्लॉक है, जो कॉमेडी सीक्वेंस है, इन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने काफ़ी बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ है। तो गड्ढलकोंडा गणेश फिल्म एक अच्छी मास ड्रामा फिल्म है, जहाँ पर बढ़िया तरीके से आपको मास एलिमेंट्स के थ्रू एक प्रोसीडिंग देखने को मिलती है। जो परफॉर्मेंसेस है वो शानदार देखने को मिलती है। जिस तरह से ये जो कैरेक्टर बनाए हुए वो बढ़िया है। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलती है। बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिलते हैं। इसके अलावा एडिटिंग को थोड़ा कम किया जा सकता था, फिल्म को 15-20 मिनट छोटा किया जा सकता था। ओवरऑल फिल्म की एडिटिंग भी बढ़िया है, प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छी थी, फिल्म के लिरिक्स अच्छे थे, डायलॉग्स बढ़िया थे, साथ ही में जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफ़ी टॉप नॉच की थी, जिस वजह से स्क्रीन में हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी। तो ये ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है जिसे ज़रूर देखा जा सकता है। अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन ज़रूर फुलफिल हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है। ये रीमेक ज़रूर है, लेकिन एक अच्छा रीमेक है जिसे ज़रूर देख सकते हो। तो इस फिल्म को अगर आप तेलुगु वर्जन में देखना चाहते हो तो गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से इसको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल करवाया हुआ है, जहाँ पर इस फिल्म को आप ज़रूर इंजॉय कर पाओगे। गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने उनकी वेबसाइट पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको विदाउट सब्सक्रिप्शन ये फिल्म तेलुगु वर्जन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है जिगरथंडा, वो भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने ही खरीदा हुआ है, और वो जिगरथंडा फिल्म भी तमिल वर्जन में अवेलेबल की हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल वो फिल्म भी आप इंजॉय कर पाओगे। तो गड्ढलकोंडा गणेश और जिगरथंडा दोनों तमिल और तेलुगु वर्जन आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे। जहाँ पे अब बात करें हिंदी डब वर्जन की, तो फिल्म को पहले तो वाल्मीकि के नाम से डब करके रिलीज करने वाले थे, लेकिन अब नाम फिर से चेंज हो चुका है, जिसको ओरिजिनल नाम दे दिया गया है गड्ढलकोंडा गणेश। अब गोल्डमाइंस वालों ने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए और उन्होंने ही इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स भी खरीदे हुए। तो ये फिल्म आपको पहले सैटेलाइट चैनल ढिंचाक पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे फिल्म का जो पहला वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर है वो है 6 मार्च रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक टेलीविजन चैनल पे सेम नाम के साथ। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि गड्ढलकोंडा व गणेश का पहला हिंदी डब वर्जन टेलीविजन प्रीमियर 6 मार्च 2022 रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक चैनल पे देखने को मिलेगा, और उसके बाद इस फिल्म का YouTube प्रीमियर ज़रूर होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। इस फिल्म का YouTube प्रीमियर करीबन काफ़ी समय के बाद, क्योंकि ढिंचाक पे प्रीमियर होने वाली फिल्म में गोल्डमाइंस वाले तुरंत उनके YouTube चैनल पे अवेलेबल नहीं करवाते हैं, लेकिन जब कभी भी इस फिल्म का ऑफिशियल YouTube प्रीमियर होगा तो वो गोल्डमाइंस के ही चैनल पर करवाया जाएगा, जहाँ पर ये फिल्म आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा सैटेलाइट चैनल ढिंचा के ऊपर इस फिल्म को बारी बारी से प्रीमियर करवाने ही वाले, जहां पे इस फिल्म को आप ज़रूर एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से सभी वर्जन यानी कि तमिल, तेलुगू, हिंदी डब और साथ ही में हिंदी वर्जन जो बच्चन पांडे नाम से 18 मार्च को आ रहा है, इन सभी तरह जिस तरह से मैंने बताया उन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख सकोगे। गड्डलकोंडा गणेश जो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, इस फिल्म को पहले नाम दिया गया था वाल्मीकि, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज के चलते फिर से बाद में गड्डलकोंडा गणेश नाम देकर फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था। सेम सिचुएशन हिंदी वर्जन में भी आई हुई थी, जहाँ पर गड्डलकोंडा गणेश के नाम से इस फिल्म को जब तेलुगु में रिलीज़ किया गया, उसके बाद हिंदी डब वर्जन के राइट सोल्ड आउट किए थे गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने, जिन्होंने फिल्म की डबिंग वाल्मीकि के नाम से कंप्लीट करवाई हुई थी। और ये फिल्म वो जल्दी वाल्मीकि के नाम से उनके टेलीविज़न चैनल ढिंचाक पे प्रीमियर करवाने वाले थे, जहां पे 6 मार्च 2022 को रात को 8 बजे के टाइम पे वो ढिंचाक टेलीविज़न चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले थे, और जहां पे उस फिल्म का नाम रखा गया था वाल्मीकि। लेकिन हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि के नाम से थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जिस वजह से फिल्म को फिर से सेंसर करवा के गड्डलकोंडा गणेश के नाम से अब टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाने वाले, जहाँ पे टेलीविज़न प्रीमियर डेट सेम है, यानी कि ये फिल्म आपको ढिंचाक टेलीविज़न चैनल पे रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे 6 मार्च को देखने को मिलेगी। गड्डलकोंडा गणेश के नाम से सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी पूरा कंटेंट सेम है। तो ये फिल्म आपको गड्डलकोंडा गणेश के नाम से 6 मार्च को रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से अब इस फिल्म का जो नाम चेंज हुआ है तो कुछ डायलॉग में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। गड्डलकोंडा गणेश फिल्म को तेलुगु वर्जन में एक एक्शन कॉमेडी के तौर पे रिलीज़ किया गया था, जहां पे फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था हरीश शंकर ने, स्क्रीन प्ले था वो मधु श्रीनिवास और मिथुन चैतन्य ने क्रिएट किया हुआ था। जहां पे गड्डलकोंडा गणेश फिल्म 2014 की तमिल लैंग्वेज जिगरथंडा का ऑफिशियल रीमेक वर्जन है। इस फिल्म का एक और रीमेक वर्जन है जिसको नाम दिया हुआ है बच्चन पांडे, जिसको अक्षय कुमार और कृति सेनन के साथ बनाया गया है हिंदी वर्जन में, जो 18 मार्च से थिएटर में लगने वाली है। तो इस तरह से इससे पहले इस फिल्म का जो तेलुगु रीमेक है उसके हिंदी राइट्स खरीद कर डब करवाकर गोलमाइंस वाले इस फिल्म को 6 मार्च को रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक टेलीविज़न चैनल पे प्रीमियर करवा देंगे, जिस वजह से इस फिल्म की अच्छी खासी कंपटीशन होगी अक्षय कुमार स्टारर बच्चन पांडे से। बच्चन पांडे को थोड़ा बहुत लॉस उठाना पड़ेगा क्योंकि ये फिल्म हिंदी में पहले आ जाएगी, क्योंकि गड्डलकोंडा गणेश में चेंजेस ज़रूर देखने को मिलते हैं जिगरथंडा के मुकाबले, लेकिन वो तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए, जिस तरह से हिंदी वर्जन में भी बॉलीवुड की रिगार्डिंग जो चेंजेस होते हैं वो करके देने वाले फिल्म में, तो सेम वे में ऐसा किया हुआ है, लेकिन जो बेसिक कोर पॉइंट है वो सेम है, जिस वजह से गड्डलकोंडा गणेश अगर आप फिल्म देख लेते हो तो बच्चन पांडे देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब बात करें जिगरथंडा की, तो वो 2014 की फिल्म थी, तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन वो फिल्म भी कोई प्रॉपर ओरिजिनल नहीं है। ये डर्टी कार्निवल करके एक साउथ कोरियन फिल्म थी जो 2006 में रिलीज़ की गई थी, उस फिल्म से इस फिल्म का इंस्पिरेशन है, यानी कि जो साउथ कोरियन फिल्म है अ डर्टी कार्निवल, उससे इंस्पायर्ड होकर जिगरथंडा बनाई गई है। हाँ, जिगरथंडा में काफ़ी सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो तमिल नेटिविटी है उसके हिसाब से काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए। अब बात कर लेते हैं गड्डलकोंडा गणेश के बारे में, जहाँ पे इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स है वो है राम अचंटा और गोपी अचंटा, जिन्होंने इस फिल्म को 14 रील्स प्लस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों किया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जहाँ पे इस फिल्म के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के उसके ऊपर बात करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुए अंक्स का बोस ने, एडिटिंग की हुए छोटा के प्रसाद ने, म्यूजिक दिया हुआ मिकी जे मेयर ने, और इस फिल्म को 20 सितंबर 2019 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जहां पे 25 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 42 करोड़ और 50 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया होता, जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, जिसको करीबन 172 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था। जहाँ पे इस फिल्म का एक्शन थ्रिलर जोनर को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट दिया गया था, और इस फिल्म को IMDb पे 6.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था, और IMDb पे करीबन 1100 वोट किए गए थे। तो इस तरह से इस टाइप की सिचुएशन के हिसाब से फिल्म को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे वाल्मीकि के नाम से चेंज कर इस फिल्म को गड्डलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था। कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज और लीगल डिस्प्यूट के चलते फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा था, उसके बावजूद फिल्म अच्छा खासा एक मार्केट ले गई और फिल्म ने एक हिट का टैग ले लिया था। तो इस तरह से फिल्म को बनाकर रिलीज किया गया था, जहां पे 20 सितंबर 2019 को फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला था। कास्टिंग की बात करें तो वरुण तेज, अथर्व, पूजा हेगड़े, मृणालिनी रवि, सुप्रिया पाठक लीड रोल में देखने को मिलेंगे। ब्रह्मा जी, प्रदीप सरस्वती, देवी प्रसाद, सुब्बराजू, अन्नपूर्णा, तनिकेला भरानी, सत्या, राज रविंद्रन, रघु बाबू, प्रभा श्रीनु, शत्रु, अप्पाजी अंबारिसा दरभा, ब्रह्मानंदम का एक कैमियो अपीयरेंस है, नितिन सुकुमार इनका भी कैमियो अपीयरेंस है, साथ ही में डिम्पल हयाती का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा जरा जरा सॉन्ग में। तो ये बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट में काम करते हुए नजर आएंगे। तो इतने एक्टर्स है जिन्होंने फिल्म में कुछ मुख्य किरदार निभाए हुए, अब वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं उसके ऊपर मैं आपको बाद में डिटेलिंग दूंगा। प्रोडक्शन के ऊपर की बात करें तो 26 जनवरी 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। दिलराजू सुकुमार को बुलाया गया था लॉन्च इवेंट पे और इसका लॉन्च इवेंट करा गया था रामा नायडू फिल्म स्टूडियो हैदराबाद में। फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया गया था फरवरी 2019 में, जहां पे अथर्वा जो फिल्म के सेकंड लीड एक्टर है उन्होंने इस फिल्म को ज्वाइन किया हुआ था मार्च 2019 में। बाद में फिल्म में थोड़े बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ पूजा हेगड़े को कन्फर्म किया गया, जिनको जुलाई में कन्फर्म किया गया था और जुलाई में उन्होंने सेट ज्वाइन किया हुआ था। मिकी जे मेयर जो इस फिल्म का म्यूजिक देते हुए नजर आएंगे आपको, इससे पहले इस फिल्म का म्यूजिक का कमान दिया गया था देवीश्री प्रसाद, लेकिन इनिशियल अनाउंस के तौर पे इनका नाम लिया गया था, लेकिन बाद में मिकी जे मेयर को लाया गया था क्योंकि देवीश्री प्रसाद के पास ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट थे जिस वजह से वो इस प्रोजेक्ट पर उतना ध्यान नहीं दे पाए थे, जिस वजह से जो डेट इश्यू थे उसके चलते मिकी जे मेयर के पास इस फिल्म का म्यूजिक चला गया था। अब इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बात करें तो फिल्म में टोटल 4 गानों को कंपोज किया गया है, जिसकी लेंथ है 13 मिनट 10 सेकंड और इसको लेबल किया गया है सोनी म्यूजिक और सारेगामा पा के नीचे, जहां पे सारेगामा वालों ने इल्लू वच्ची गोदरम्मा वाला गाना है वो लेबल किया हुआ है, बाकी 3 गाने हैं वो सोनी म्यूजिक के पास है। अब इस फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसको रिकॉर्ड किया गया था 2019 में और इन 2 लेबल्स के नीचे इन 4 गानों को रिलीज़ किया गया था, जिसमें से 3 गाने सोनी म्यूजिक के पास है और एक गाने सारेगामा पा के पास है। और इसको 5 सितंबर 2019 में रिलीज़ किया गया था, जहां पे पहला गाना जर्रा जर्रा, जिसमें डिम्पल हयाती का एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है, उसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर भारती, रवि कुमार, जिसके सिंगर है अनुराग कुलकर्णी और उमा स्नेहा। इस गाने की लेंथ है 3 मिनट 1 सेकंड। दूसरा गाना गगन्ना विधिलो, जिसके लिरिक्स लिखे हुए वानमली ने, सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी और श्वेता सुब्रमण्यम और इसके गाने की लेंथ है 3 मिनट 15 सेकंड। तीसरा गाना वक्का वक्का, जिसके लिरिक्स लिखे हुए चंद्र बोस और सिंगर है अनुराग कुलकर्णी, मिकी जे मेयर। गाने की लेंथ थी 3 मिनट 27 सेकंड। चौथा गाना इलू वच्ची गोदरम्मा, इस गाने को लेबल किया हुआ है सारेगामा ने, इसका एक रीज़न है ये ओरिजिनल गाना नहीं है। येलू वच्ची करके एक गाना आया हुआ था 1982 में देवता फिल्म से, जो तेलुगु वर्जन की फिल्म थी, तो उस फिल्म का वो गाना था, उसको रिक्रिएट करके रिमिक्स करके बनाया गया था, जिस वजह से इसका लेबल है सारेगामा और इसको कंपोज किया हुआ था मिकी जे मेयर ने और लिरिक्स है वो लिखे हुए वेट्टूरी सुंदरम्मा मूर्ति ने। सिंगर की बात करें तो एसपी बाला सुब्रमण्यम और पी सुशीला, इन दोनों ने मिलकर इलुवच्ची गदरम्मा गाने को गाया हुआ था, जिसकी लेंथ थी 3 मिनट 27 सेकंड। तो इस तरह से 4 गानों की जो टोटल लेंथ निकल के आई हुई है वो है 13 मिनट 10 सेकंड। तो इस तरह से फुल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक को रिलीज़ किया गया था 5 सितंबर 2019 को। तो इस साउंड ट्रैक के ऊपर मैंने आपको डिटेलिंग दे दी है। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज के ऊपर। तो वाल्मीकि नाम से इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, कुछ दिनों के बाद फिल्म के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई इस नाम को लेकर, क्योंकि वाल्मीकि के नाम से एक संत आए हुए थे, तो उनको एक नेगेटिव शेड में फिल्म में दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है, उनके नाम को यूज़ करना थोड़ा लोगों में खटक रहा था, जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग एक केस दर्ज हुआ था आंध्र प्रदेश में अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तभी प्रोटेस्ट किया गया था इस फिल्म के रिगार्डिंग, क्योंकि पहले ही नाम अनाउंस हो चुका था, जिस वजह से इस फिल्म ने के जो कम्युनिटी है उन्होंने फिल्म के क्रू मेंबर के ऊपर अटैक करवाया हुआ था और उसके बाद में फिल्म की शूटिंग भी आधे में रोक दी गई थी। तो इतना कुछ होने के बाद फिल्म का जो शूटिंग स्टार्ट करने के लिए फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा, जिसको नाम दिया गया बाद में गड्ढलकोंडा गणेश। और जब रिलीज के बारी आई तब फिल्म को नाम चेंज करके रिलीज़ किया गया, जहाँ पे सितंबर 2019 में तेलंगाना हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी, जहाँ पे आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना कोर्ट में इसकी पिटीशन के थ्रू वाल्मीकि से इस फिल्म को नाम दिया गया गड्ढलकोंडा गणेश। जिस वजह से फिल्म के रिलीज़ के 6 घंटे पहले इस फिल्म का नाम गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था, चेंज किया गया था, जिस वजह से इस फिल्म को वाल्मीकि की जगह गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था। मार्केटिंग रिलीज़ की बात करें तो जून 2019 में 14 रील्स प्लस के द्वारा इस फिल्म का फ्री टीज़र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया था। 15 अगस्त 2019 को टीम के थ्रू इस फिल्म का टीज़र रिलीज़ किया गया था और उसके बाद में प्रोमोटिंग फिल्म के जो सिंगल्स थे एल्बम में से एक के बाद एक प्रोमोट के लिए रिलीज़ किए गए थे। फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर है उसको 14 रील प्लस के यूट्यूब चैनल पे अनवील किया गया था 9 सितंबर 2019 को। फिल्म को शेड्यूल किया गया था 13 सितंबर 2019 को रिलीज़ करने के लिए, लेकिन नानी स्टार और गैंग लीडर फिल्म थी उसके साथ ये फिल्म क्लेश हो रही थी, जिस वजह से फिल्म को बाद में 1 वीक पोस्टपोन करना पड़ा और उसके बाद फिल्म को 20 सितंबर 2019 को फाइनली रिलीज़ किया गया था, जहां पे फिल्म करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ रिलीज़ की गई थी और बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन करके दिखा दिया था। इसी के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट का टैग ले गई थी। इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए हुए थे गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने, जिन्होंने रिलीज़ के वक्त ही फिल्म के राइट्स खरीद लिए थे और बाद में फिल्म को उन्होंने डब करवा दिया और उसके बाद अब वो ढिंचाक चैनल पर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले, जहाँ पे 6 मार्च 2022 को रात को 8 बजे के टाइम पर रविवार के दिन इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ करने वाले। इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि नाम दिया गया था लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया। इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया था तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, जहां पे क्रिटिक्स ने वरुण तेज की परफॉर्मेंस काफ़ी सराहना की गई थी। वो अभी तक एक चॉकलेट बॉय वाला किरदार प्ले करते हुए नज़र आ रहे थे, सॉफ्ट बॉय का किरदार प्ले कर रहे थे, अचानक एक गैंगस्टर में ट्रांसफॉर्मेशन वाला रोल देखने को मिला, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया था। फिल्म में कुछ कॉमेडी थी जो लोगों को थोड़ी ज़्यादा फोर्स की हुई नज़र आ रही थी, जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़े मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर एक बढ़िया हिट का टैग ले गई थी। इस फिल्म ने जिस फिल्म का रीमेक किया हुआ है यानी कि जिगर ठंडा, उसके बारे में बात करें तो जिगर ठंडा, जिसका मीनिंग होता है कोल्ड हार्टेड, जो 2014 की तमिल लैंग्वेज एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कार्तिक सुब्बराज ने। ये फिल्म अ डर्टी कार्निवल से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म का काफ़ी सारी लैंग्वेज में डब वर्जन निकल चुका है और रीमेक वर्जन भी निकल चुका है, जहाँ पे तेलुगु डब वर्जन 2016 में चिकड्डू दुक्कड्डू के नाम से रिलीज़ किया गया था, साथ ही में कन्नडा में रीमेक किया गया था सेम टाइटल के साथ 2016 में। उसके बाद 2019 में गड्ढलकोंडा के नाम से गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था। उसी के साथ हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से 2022 में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म आने वाली है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ कार्तिक सुब्बराज ने, स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले वो सभी चीज़ें भी उनकी ही थी। प्रोड्यूसर्स काथिरेसन ने इस फिल्म को SMS पिक्चर्स सॉरी ग्रुप कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था और SMS पिक्चर और कल संगम फिल्म्स के नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको सिद्धार्थ, बॉबी सिम्हा और लक्ष्मी मेनन देखने को मिले होंगे। उनके अलावा करुणाकरण, गुरु सोम सुंदरन, आदुकलाम नरेन, सौंदरराजन, रामचंद्र दुराईराज, सेंथिल कुमारन, सांगिली मुरुगन, बाला सिंह, थेनावल, दिल्ली गणेश, सुधा जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिले होंगे। इस फिल्म को डेवलप किया गया था 2013 में अनाउंस किया गया था। उसके बाद में फिल्म को एक के बाद एक चीज़ अनाउंस की गई थी, कास्टिंग भी तभी की गई थी और उसके बाद फिल्म की 21 नवंबर 2013 तक प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी और उसके बाद में फिल्म को 2014 एंड तक कंप्लीट करवा लिया गया था। और उसके बाद इस फिल्म में जो गाने को कंपोज किया गया था वो टोटल गाने थे 9, जहाँ पे 9 बैकग्राउंड स्कोर थे। इसके अलावा 5 टोटल सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे फिल्म का जो साउंड ट्रैक है वो बढ़िया तरीके से हिट साबित हुआ था और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी काफ़ी सारा सराहना मिली थी। रिलीज़ के बाद फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस दोनों की तरफ से हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। और उसके बाद इस फिल्म को जब बाहर देश रिलीज़ किया गया वहाँ पे भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था। कुछ चीज़ों के चलते फिल्म ज़रूर डिले हुई थी रिलीज़ के वक्त, लेकिन उसके बाद जब एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिस वजह से फिल्म लोगों को काफ़ी सारी पसंद आई थी। जिगर थंडा फिल्म के जो तमिल सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए थे स्टार विजय ने, यानी कि स्टार विजय के चैनल पर फिल्म आपको टेलीविजन पर तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी। और इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास, जिन्होंने जिगर थंडा फिल्म को सेम नाम के साथ वहां पे अवेलेबल करवाया हुआ है विथ इंग्लिश सबटाइटल, और वो फिल्म आप बिल्कुल फ्री में वहां पे देख सकते हो। तो इस तरह से इस फिल्म को सभी प्लेटफॉर्म पे ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ है। इस फिल्म ने करीबन 25 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड रन लिया था, तब उस टाइम में 46 करोड़ के आसपास 2014 में ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और एक 2014 की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी, जिस वजह से जिगर थंडा फिल्म एक अच्छी खासी क्लासिकल कल्ट क्लासिक फिल्म में शामिल हो गई थी, जहां पे मीडियम स्टार कास्ट के साथ भी फिल्म अच्छा खासा वर्क कर गई थी। जिगर थंडा फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन राइट है वो भी बेच दिए गए थे, जिसको खरीदा हुआ था एशियन मीडिया ने। फिल्म की डबिंग भी उन्होंने 2019 तक शायद कंप्लीट करवा ली थी। SPM आर्ट्स यानी कि एशियन मीडिया, जिन्होंने फिल्म को सेम नाम से सेंसर बोर्ड की तरफ से हिंदी डब वर्जन ने सेंसर सर्टिफिकेट भी करवा लिया था और ये फिल्म टेलीविज़न प्रीमियर के लिए तैयार थी, लेकिन तभी फिल्म के रीमेक राइट्स हिंदी में बेच दिए गए। बच्चन पांडे के नाम से जो 2022 में आपको रीमेक देखने को मिल रहा है, उसी की वजह से जिगर थंडा फिल्म की हिंदी डब वर्जन को रिलीज़ रोक दी गई थी। बच्चन पांडे के मेकर्स ने जिगर थंडा के मेकर्स को इस फिल्म को डब वर्जन में रिलीज़ करने के लिए मना किया गया, जिस वजह से एशियन मीडिया ने उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए फिल्म को पोस्टपोन पे रखा हुआ है। अब जब बच्चन पांडे 18 मार्च को रिलीज़ हो जाएगी, उसके बाद OTT पे अवेलेबल हो जाएगी। बाद में इस फिल्म को जिगर थंडा फिल्म को हिंदी डब वर्जन में टेलीविज़न और यूट्यूब पे अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो गडलकोंडा गणेश है वो एक और रीमेक है, वो गोलमाइंस वालों ने डब करवा के अब रिलीज डेट भी अनाउंस कर दिए, जो आपको 6 मार्च को रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे सेम नाम के साथ ढिंगचा चैनल पे देखने को मिलेगी। उसके बाद ज़रूर यूट्यूब चैनल पे वो फिल्म प्रीमियर नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि ढिंचैक पे होने वाली फिल्में प्रीमियर होने वाली फिल्में गोलमाइंस वाले तुरंत प्रीमियर नहीं करवाते हैं। गड्ढलकोंडा गणेश फिल्म के जो लीड एक्टर्स है, जो कास्टिंग है, उसमें कौन से कैरेक्टर ने क्या रोल प्ले किया था उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। वरुण तेज जो गनी के रोल में दिखाई देते हैं, जिसका पूरा नाम है गड्ढलकोंडा गणेश अथर्वा, जिन्होंने अभिलाष यानी कि अभी का रोल प्ले किया हुआ है। पूजा हेगड़े जो श्रीदेवी यानी कि देवी के रोल में दिखाई देती है। मृणालिनी रवि जिन्होंने बुजम्मा का रोल प्ले किया हुआ है। सुप्रिया पाठक जो गड्ढलकोंडा गणेश की मां के रोल में दिखाई देती है। ब्रह्मा जी जिन्होंने मुनि माणिक्यम के एक एक्टिंग कोच का रोल प्ले किया हुआ है। प्रदीप जो अभी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं। सरस्वती जो अभी की मां के रोल में दिखाई देती है। देवी प्रसाद जिन्होंने अभी के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है। सुब्बा राजू जिन्होंने प्रभाकर के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है। अन्नपूर्णा जो गनी की सेफ के रोल में दिखाई देते है। दानिकेला भरानी जिन्होंने थिएटर ऑपरेटर का रोल प्ले किया हुआ है। सत्या जिन्होंने चिंतकाई यानी कि अभिलाष के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। राजा रविंद्र जिन्होंने नलमुद्दू बाबजी का रोल प्ले किया हुआ है। रघु बाबू जिन्होंने फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा प्रभा श्रीनु जो आपको बलिया के रोल में दिखाई देंगे। शत्रु जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है। अप्पा जी अंबारीसा दरबा जो श्रीदेवी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं। ब्रह्मानंदम नितिन सुकुमार इनका एक गेस्ट अपीयरेंस कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलेगा। डिम्पल हयाती जरा जरा सॉन्ग में आइटम नंबर दिखाती हुई नजर आएंगी, अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएंगी। तो इस तरह से इन सभी आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है, इन सभी कैरेक्टर को उन्होंने निभाया हुआ था। स्टोरी की बात करें तो अभिलाष यानी कि अथर्वा एक अपकमिंग डायरेक्टर है जो एक बड़ी फिल्म बनाना चाहते हैं विथ एनी कॉस्ट, और इसके लिए वो डिसाइड करते वो एक क्रिमिनल बेस्ड फिल्म बनाएंगे और उसके लिए एक कहानी के रिसर्च में निकल पड़ते हैं। और उनका सामना होता है गड्ढलकोंडा गणेश यानी कि वरुण तेज से जो एक ब्रूटल क्रिमिनल है, और उनके बारे में जानने के बाद वो फिक्स करते हैं कि उनके ऊपर एक फिल्म बनाएंगे, उनके नज़दीक जाकर उनके बारे में जानेंगे और साथ ही में कहानी के ऊपर पूरी डिटेलिंग लेंगे और इस फिल्म को वो डायरेक्ट करेंगे। लेकिन एक पॉइंट के बाद वो सभी चीज़ें वो गड्ढलकोंडा गणेश के सामने रिवील करता है। गड्ढलकोंडा गणेश इस फिल्म के बनाने के लिए राजी तो हो जाते हैं, अपनी फिल्म अपनी लाइफ की कहानी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए राजी तो हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जहाँ पे गणेश डिमांड करता है कि वो इस फिल्म में हीरो का रोल प्ले करेगा। तो अब बाकी की कहानी यही है कि अभिलाष किस तरह से इस डेडली गैंगस्टर को हैंडल करता है, फिल्म को किस तरह से फिनिश करता है, वो सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी बनाई गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि कार्तिक सुब्बाराज, इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि हरीश शंकर, जिन्होंने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है, उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी एक्टर्स को यूज़ किया हुआ था। जिस तरह से वरुण तेज के किरदार को उन्होंने शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी सुपर मैनर में उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। फिल्म में एक गैंगस्टर का लुक, उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस उनके पास बेहतरीन वे में निकलवाई हुई थी। उनकी जो चेंजेस देखने को मिलते हैं डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज में, उसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी। साथ ही में फिल्म में कुछ बेसिक इमोशंस की थोड़ी बहुत आपको कमी नजर आएंगी, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थोड़ा वीक नजर आएगा, फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंथी नजर आएगा, थोड़ी जगह पे हरिशंकर आपको अपनी ग्रिप लूज होते हुए नजर आएंगे प्रोसीडिंग के टाइम सेकंड हाफ में। लेकिन बाकी जो एक अच्छा एलिमेंट होना चाहिए, गुड मास एलिमेंट, फनी एलिमेंट, वो सभी चीज़ें वो भरपूर तरह एड करते हुए नजर आते हैं। इस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से वरुण तेज को एक मेकओवर किया हुआ था, उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सॉफ्ट गाय से एक हार्डकोर क्रिमिनल के रूप में, वो बेहतरीन था। उसी वजह से फिल्म पूरी तरह से एंगेजिंग नजर आती है। फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे, वीटी डायलॉग्स सुनने को मिलते, कुछ कॉमेडी पंचेस थे, वन लाइनर्स थे, उसको बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था। हरीश शंकर ने ओवरऑल वरुण के किरदार को अच्छी तरह से लिखा हुआ था, उनकी डायलॉग डिलीवरी सुपर्ब थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज अमेजिंग थी। अथर्वा मुरली जो आपको एक डिसेंट डेब्यू करते हुए नजर आएंगे, उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम निभाया हुआ है। उन्होंने मिकी जे मेयर के उन्होंने जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है एक डायरेक्टर, अपकमिंग डायरेक्टर के रोल में, उसमें वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे। अपने परफॉर्मेंस के साथ वो फिल्म में एक अलग इम्पैक्ट छोड़ते हुए नजर आते हैं। मिकी जे मेयर जिनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी टॉप नॉच वाला था, उन्होंने बढ़िया तरीके से फिल्म को सपोर्ट का हो ऐसा बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था। फिल्म का जो माहौल है, जो जोनर है, उसके हिसाब से बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट हुआ था, जो फिल्म को एक अलग लेवल पे एलिवेट करने में कामयाब हो रहा था। इस फिल्म में कॉमेडियन सत्या आपको देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपना रोल काफ़ी हिलेरियस वे में निभाया हुआ है। उन्होंने जिस तरह से अपने कॉमेडी सीक्वेंस को डिलीवर किया हुआ है वो सुपर पंचेस आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ब्रह्मा जी जो टीचर के रोल में काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम करते हुए नजर आते हैं, उन्होंने क्रूशल पॉइंट पर अपना काम दिखाया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया है। फिल्म के क्रूशल पॉइंट पर उनका रोल आता है और वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहती है। उन्होंने जितने भी वन लाइनर्स डिलीवर किए हुए, अपने कॉमिक पंचेस को कॉमिक टाइमिंग जिस तरह से डिलीवर किए हुए, वो काफ़ी बढ़िया थी। वो फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट्स देने में कामयाब रहती है, वहाँ पे आप ज़रूर हंस पड़ोगे। पूजा हेगड़े फिल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी, दिखने में काफ़ी गोर्जियस और सिंपल नज़र आ रही थी। वो श्रीदेवी का रोल प्ले कर रही है। फिल्म में उनका रोल जितनी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना जो वक्त है वो एड किया हुआ था। अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू उन्होंने अपना टैलेंट ज़रूर दिखाया हुआ था। हाँ, उनका एक गेस्ट रोल बोल सकते हैं, रोल छोटा था, लेकिन जितना भी काम था उसमें वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी। सुप्रिया पाठक जो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने माँ का रोल प्ले करते हुए नजर आती है। राजा रवि को एक अच्छा रोल मिला हुआ था, अपने अच्छे रोल के साथ वो एक नीट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते। फर्स्ट हाफ को बढ़िया तरीके से स्टेब्लिश किया हुआ था डायरेक्टर ने, जहाँ पे वरुण के किरदार को अच्छी तरह से एक ग्रेडेड क्रिमिनल के तौर पे हमारे सामने पेश किया हुआ था। वहाँ पे बढ़िया मसाला एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में उन सभी सीक्वेंस के साथ अच्छी अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिलती है। इस फिल्म को तेलुगु वर्जन के हिसाब से तमिल वर्जन से थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे कुछ कॉमेडी सीक्वेंस है, कुछ चीज़ें जो फिल्म को अलग करी हुई है, जो तेलुगु नेटिविटी है उस हिसाब से चेंज किया हुआ है, लेकिन वो सभी चीज़ें अच्छे वे में जाती है। इस फिल्म की लेंथ थोड़ी ज़रूर बड़ी है, जहाँ पे हरीश शंकर फिल्म को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन उसको इस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम ले लेते। इसके बाद सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें, उसकी प्रोसीडिंग बढ़िया नहीं थी, इमोशंस की कमी थी, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे क्लाइमैक्स में जिस तरह से एड की हुई थी वो फोर्सफुल एड की हो ऐसा नज़र आ रहा था। पूजा हेगड़े का जो ट्रैक है वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन सीन्स थे, लेकिन उन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी ऐसा नज़र आ रहा था। उसे आसानी से क्रिस्प किया जा सकता था। अथर्व और वरुण तेज के बीच में जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन थे उसको और एंटरटेनिंग मैनर में दिखाया जा सकता था। तो एक कुछ एक दो चीज़ें उसको सुधारा जा सकता था। ओवरऑल फिल्म में जो मास एलिमेंट है, वरुण तेज का जो मेकओवर है, जो फिल्म की स्टोरी लाइन है, जो इंटरवल ब्लॉक है, जो कॉमेडी सीक्वेंस है, इन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने काफ़ी बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ है। तो गड्ढलकोंडा गणेश फिल्म एक अच्छी मास ड्रामा फिल्म है जहाँ पे बढ़िया तरीके से आपको मास एलिमेंट्स के थ्रू एक प्रोसीडिंग देखने को मिलती है। जो परफॉर्मेंसेस है वो शानदार देखने को मिलती है। जिस तरह से ये जो कैरेक्टर बनाए हुए हैं वो बढ़िया है। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलती है। बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिलते हैं। इसके अलावा एडिटिंग को थोड़ा कम किया जा सकता था, फिल्म को 15-20 मिनट छोटा किया जा सकता था। ओवरऑल फिल्म की एडिटिंग भी बढ़िया है, प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छी थी, फिल्म के लिरिक्स अच्छे थे, डायलॉग्स बढ़िया थे, साथ ही में जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफ़ी टॉप नॉच की थी, जिस वजह से स्क्रीन में हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी। तो ये ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है जिसे ज़रूर देखा जा सकता है। अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन ज़रूर फुलफिल हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है। ये रीमेक ज़रूर है लेकिन एक अच्छा रीमेक है जिसे ज़रूर देख सकते हो। तो इस फिल्म को अगर आप तेलुगु वर्जन में देखना चाहते हो तो गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से इसको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल करवाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को आप ज़रूर एंजॉय कर पाओगे। गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने उनकी वेबसाइट पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। तो वहाँ पे आपको विदाउट सब्सक्रिप्शन ये फिल्म तेलुगु वर्जन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है जिगर थंडा, वो भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने ही खरीदा हुआ है और वो जिगर थंडा फिल्म भी तमिल वर्जन में अवेलेबल की हुई डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल वो फिल्म भी आप इंजॉय कर पाओगे। तो गड्ढलकोंडा गणेश और जिगर थंडा दोनों तमिल और तेलुगु वर्जन आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे। जहाँ पे अब बात करें हिंदी डब वर्जन की, तो फिल्म को पहले तो वाल्मीकि के नाम से डब करके रिलीज करने वाले थे, लेकिन अब नाम फिर से चेंज हो चुका है जिसको ओरिजिनल नाम दे दिया गया है गड्ढलकोंडा गणेश। अब गोलमाइंस वालों ने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए हैं और उन्होंने ही इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स भी खरीदे हुए हैं। तो ये फिल्म आपको पहले सैटेलाइट चैनल ढिंचाक पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे फिल्म का जो पहला वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर है वो है 6 मार्च रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक टेलीविजन चैनल पे सेम नाम के साथ। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि गड्ढलकोंडा व गणेश का पहला हिंदी डब वर्जन टेलीविजन प्रीमियर 6 मार्च 2022 रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक चैनल पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद इस फिल्म का यूट्यूब प्रीमियर ज़रूर होगा लेकिन अभी नहीं होगा। इस फिल्म का यूट्यूब प्रीमियर करीबन काफ़ी समय के बाद, क्योंकि ढिंचाक पे प्रीमियर होने वाली फिल्म में गोलमाइंस वाले तुरंत उनके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं करवाते हैं, लेकिन जब कभी भी इस फिल्म का ऑफिशियल यूट्यूब प्रीमियर होगा तो वो गोलमाइंस के ही चैनल पर करवाया जाएगा, जहाँ पर ये फिल्म आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा सैटेलाइट चैनल ढिंचाक के ऊपर इस फिल्म को बारी बारी से प्रीमियर करवाने ही वाले, जहाँ पे इस फिल्म को आप ज़रूर एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से सभी वर्जन यानी कि तमिल, तेलुगु, हिंदी डब और साथ ही में हिंदी वर्जन जो बच्चन पांडे नाम से 18 मार्च को आ रहा है, इन सभी तरह जिस तरह से मैंने बताया उन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख सकोगे। गड्ढलकोंडा गणेश जो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, इस फिल्म को पहले नाम दिया गया था वाल्मीकि, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज के चलते फिर से बाद में गड्ढलकोंडा गणेश नाम देकर फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था। सेम सिचुएशन हिंदी वर्जन में भी आई हुई थी, जहाँ पे गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से इस फिल्म को जब तेलुगु में रिलीज़ किया गया, उसके बाद हिंदी डब वर्जन के राइट सोल्ड आउट किए थे गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने, जिन्होंने फिल्म की डबिंग वाल्मीकि के नाम से कंप्लीट करवाई हुई थी। और ये फिल्म वो जल्दी वाल्मीकि के नाम से उनके टेलीविजन चैनल ढिंचाक पे प्रीमियर करवाने वाले थे, जहां पे 6 मार्च 2022 को रात को 8 बजे के टाइम पे वो ढिंचाक टेलीविज़न चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले थे, और जहां पे उस फिल्म का नाम रखा गया था वाल्मीकि। लेकिन हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि के नाम से थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जिस वजह से फिल्म को फिर से सेंसर करवा के गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से अब टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाने वाले हैं, जहाँ पे टेलीविज़न प्रीमियर डेट सेम है, यानी कि ये फिल्म आपको ढिंचाक टेलीविज़न चैनल पे रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे 6 मार्च को देखने को मिलेगी। गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी पूरा कंटेंट सेम है। तो ये फिल्म आपको गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से 6 मार्च को रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से अब इस फिल्म का जो नाम चेंज हुआ है तो कुछ डायलॉग में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। गड्ढलकोंडा गणेश फिल्म को तेलुगु वर्जन में एक एक्शन कॉमेडी के तौर पर रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था हरीश शंकर ने, स्क्रीन प्ले था वो मधु श्रीनिवास और मिथुन चैतन्य ने क्रिएट किया हुआ था, जहाँ पे गड्ढलकोंडा गणेश फिल्म 2014 की तमिल लैंग्वेज जिगरथंडा का ऑफिशियल रीमेक वर्जन है। इस फिल्म का एक और रीमेक वर्जन है जिसको नाम दिया हुआ है बच्चन पांडे, जिसको अक्षय कुमार और कृति सेनन के साथ बनाया गया है हिंदी वर्जन में, जो 18 मार्च से थिएटर में लगने वाली है। तो इस तरह से इससे पहले इस फिल्म का जो तेलुगु रीमेक है उसके हिंदी राइट्स खरीद कर डब करवाकर गोलमाइंस वाले इस फिल्म को 6 मार्च को रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक टेलीविजन चैनल पे प्रीमियर करवा देंगे, जिस वजह से इस फिल्म की अच्छी खासी कंपटीशन होगी अक्षय कुमार स्टारर बच्चन पांडे से। बच्चन पांडे को थोड़ा बहुत लॉस उठाना पड़ेगा क्योंकि ये फिल्म हिंदी में पहले आ जाएगी, क्योंकि गड्ढलकोंडा गणेश में चेंजेस ज़रूर देखने को मिलते हैं जिगरथंडा के मुकाबले, लेकिन वो तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए, जिस तरह से हिंदी वर्जन में भी बॉलीवुड की रिगार्डिंग जो चेंजेस होते हैं वो करके देने वाले फिल्म में, तो सेम वे में ऐसा किया हुआ है, लेकिन जो बेसिक कोर पॉइंट है वो सेम है, जिस वजह से गड्ढलकोंडा गणेश अगर आप फिल्म देख लेते हो तो बच्चन पांडे देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब बात करें जिगरथंडा की, तो वो 2014 की फिल्म थी, तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन वो फिल्म भी कोई प्रॉपर ओरिजिनल नहीं है। ये डर्टी कार्निवल करके एक साउथ कोरियन फिल्म थी जो 2006 में रिलीज़ की गई थी, उस फिल्म से इस फिल्म का इंस्पिरेशन है, यानी कि जो साउथ कोरियन फिल्म है अ डर्टी कार्निवल, उससे इंस्पायर्ड होकर जिगरथंडा बनाई गई है। हाँ, जिगरथंडा में काफ़ी सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो तमिल नेटिविटी है उसके हिसाब से काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए। अब बात कर लेते हैं गड्ढलकोंडा गणेश के बारे में, जहाँ पे इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स है वो है राम अचंटा और गोपी अचंटा, जिन्होंने इस फिल्म को 14 रील्स प्लस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों किया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था, जहाँ पे इस फिल्म के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के उसके ऊपर बात करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुए एंक्स का बोस ने, एडिटिंग की हुए छोटा के प्रसाद ने, म्यूजिक दिया हुआ मिकी जे मेयर ने, और इस फिल्म को 20 सितंबर 2019 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जहां पे 25 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 42 करोड़ और 50 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया होता, जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, जिसको करीबन 172 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे इस फिल्म का एक्शन थ्रिलर जॉनर को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट दिया गया था, और इस फिल्म को आईएमडीबी पे 6.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था, और आईएमडीबी पे करीबन 1100 वोट किए गए थे। तो इस तरह से इस टाइप की सिचुएशन के हिसाब से फिल्म को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे वाल्मीकि के नाम से चेंज कर इस फिल्म को गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था। कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज और लीगल डिस्प्यूट के चलते फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा था, उसके बावजूद फिल्म अच्छा खासा एक मार्केट ले गई और फिल्म ने एक हिट का टैग ले लिया था। तो इस तरह से फिल्म को बनाकर रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे 20 सितंबर 2019 को फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला था। कास्टिंग की बात करें तो वरुण तेज, अथर्व, पूजा हेगड़े, मृणालिनी रवि, सुप्रिया पाठक लीड रोल में देखने को मिलेंगे। ब्रह्मा जी, प्रदीप सरस्वती, देवी प्रसाद, सुब्बराजू, अन्नपूर्णा, तनिकेला भरानी, सत्या, राज रविंद्रन, रघुबाबू, प्रभा श्रीनु, शत्रु, अप्पाजी, अंबारिसा दरभा, ब्रह्मानंदम का एक कैमियो अपीयरेंस है, नितिन सुकुमार इनका भी कैमियो अपीयरेंस है, साथ ही में डिम्पल हयाती का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा जरा जरा सॉन्ग में। तो ये बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट में काम करते हुए नजर आएंगे। तो इतने एक्टर्स है जिन्होंने फिल्म में कुछ मुख्य किरदार निभाए हुए हैं। अब वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं उसके ऊपर मैं आपको बाद में डिटेलिंग दूंगा। प्रोडक्शन के ऊपर की बात करें तो 26 जनवरी 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, दिलराजू सुकुमार को बुलाया गया था लॉन्च इवेंट पे, और इसका लॉन्च इवेंट करा गया था रामा नायडू फिल्म स्टूडियो हैदराबाद में। फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया गया था फरवरी 2019 में, जहां पे अथर्वा जो फिल्म के सेकंड लीड एक्टर है उन्होंने इस फिल्म को ज्वाइन किया हुआ था मार्च 2019 में। बाद में फिल्म में थोड़े बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ पूजा हेगड़े को कंफर्म किया गया, जिनको जुलाई में कंफर्म किया गया था और जुलाई में ही उन्होंने सेट ज्वाइन किया हुआ था। मिकी जे मेयर जो इस फिल्म का म्यूजिक देते हुए नजर आएंगे आपको, इससे पहले इस फिल्म का म्यूजिक का कमान दिया गया था देवी श्री प्रसाद, लेकिन इनिशियल अनाउंस के तौर पर इनका नाम लिया गया था लेकिन बाद में मिकी जे मेयर को लाया गया था क्योंकि देवीश्री प्रसाद के पास ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट थे जिस वजह से वो इस प्रोजेक्ट पे उतना ध्यान नहीं दे पाए थे, जिस वजह से जो डेट इश्यू थे उसके चलते मिकी जे मेयर के पास इस फिल्म का म्यूजिक चला गया था। अब इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बात करें तो फिल्म में टोटल 4 गानों को कंपोज किया गया है जिसकी लेंथ है 13 मिनट 10 सेकंड और इसको लेबल किया गया है सोनी म्यूजिक और सारेगामा के नीचे, जहां पे सारेगामा वालों ने इल्लू वच्ची गोदरम्मा वाला गाना है वो लेबल किया हुआ है, बाकी 3 गाने हैं वो सोनी म्यूजिक के पास है। अब इस फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसको रिकॉर्ड किया गया था 2019 में और इन 2 लेबल्स के नीचे इन 4 गानों को रिलीज़ किया गया था जिसमें से 3 गाने सोनी म्यूजिक के पास है और 1 गाने सारेगामा के पास है। और इसको 5 सितंबर 2019 में रिलीज़ किया गया था, जहां पे पहला गाना जर्रा जर्रा जिसमें डिम्पल हयाती का एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है उसके लिरिक्स लिखे हुए भास्करा भारती, रवि कुमार जिसके सिंगर है अनुराग कुलकर्णी और उमा स्नेहा। इस गाने की लेंथ है 3 मिनट 1 सेकंड। दूसरा गाना गगन्ना विधि लो जिसके लिरिक्स लिखे हुए वानमली ने, सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी और श्वेता सुब्रमण्यम और इसके गाने की लेंथ है 3 मिनट 15 सेकंड। तीसरा गाना वक्का वक्का जिसके लिरिक्स लिखे हुए है चंद्र बोस और सिंगर है अनुराग कुलकर्णी, मिकी जे मेयर। गाने की लेंथ थी 3 मिनट 27 सेकंड। चौथा गाना इलुवच्ची गोदरम्मा, इस गाने को लेबल किया हुआ है सारेगामा ने। इसका एक रीज़न है, ये ओरिजिनल गाना नहीं है। येलुवच्ची करके एक गाना आया हुआ था 1982 में देवथा फिल्म से, जो तेलुगु वर्जन की फिल्म थी, तो उस फिल्म का वो गाना था, उसको रिक्रिएट करके रिमिक्स करके बनाया गया था, जिस वजह से इसका लेबल है सारेगामा और इसको कंपोज किया हुआ था मिकी जे मेयर ने और लिरिक्स है वो लिखे हुए वेट्टूरी सुंदरम्मा मूर्ति ने। सिंगर की बात करें तो एसपी बाला सुब्रमण्यम और पी सुशीला, इन दोनों ने मिलकर इलुवच्ची गोदरम्मा गाने को गाया हुआ था जिसकी लेंथ थी 3 मिनट 27 सेकंड। तो इस तरह से 4 गानों की जो टोटल लेंथ निकल के आई हुई है वो है 13 मिनट 10 सेकंड। तो इस तरह से फुल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक को रिलीज़ किया गया था 5 सितंबर 2019 को। तो इस साउंड ट्रैक के ऊपर मैंने आपको डिटेलिंग दे दी है। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज के ऊपर। तो वाल्मीकि नाम से इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, कुछ दिनों के बाद फिल्म के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई इस नाम को लेकर, क्योंकि वाल्मीकि के नाम से एक संत आए हुए थे तो उनको एक नेगेटिव शेड में फिल्म में दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है। उनके नाम को यूज़ करना थोड़ा लोगों में खटक रहा था, जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग एक केस दर्ज हुआ था आंध्र प्रदेश में अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तभी प्रोटेस्ट किया गया था इस फिल्म के रिगार्डिंग, क्योंकि पहले ही नाम अनाउंस हो चुका था, जिस वजह से इस फिल्म ने के जो कम्युनिटी है उन्होंने फिल्म के क्रू मेंबर के ऊपर अटैक करवाया हुआ था और उसके बाद में फिल्म की शूटिंग भी आधे में रोक दी गई थी। तो इतना कुछ होने के बाद फिल्म के जो शूटिंग स्टार्ट करने के लिए फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा, जिसको नाम दिया गया बाद में गड्ढलकोंडा गणेश। और जब रिलीज़ के बारी आई तब फिल्म को नाम चेंज करके रिलीज़ किया गया, जहाँ पे सितंबर 2019 में तेलंगाना हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी, जहाँ पे आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना कोर्ट में इसकी पिटीशन के थ्रू वाल्मीकि से इस फिल्म को नाम दिया गया गड्ढलकोंडा गणेश, जिस वजह से फिल्म के रिलीज़ के 6 घंटे पहले इस फिल्म का नाम गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था, जिस वजह से इस फिल्म को वाल्मीकि की जगह गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था। मार्केटिंग रिलीज़ की बात करें तो जून 2019 में 14 रील्स प्लस के द्वारा इस फिल्म का फ्री टीज़र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया था। 15 अगस्त 2019 को टीम के थ्रू इस फिल्म का टीज़र रिलीज़ किया गया था और उसके बाद में प्रोमोटिंग फिल्म के जो सिंगल्स थे एल्बम में से एक के बाद एक प्रोमोट के लिए रिलीज़ किए गए थे। फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर है उसको 14 रील प्लस के यूट्यूब चैनल पे अनवील किया गया था 9 सितंबर 2019 को। फिल्म को शेड्यूल किया गया था 13 सितंबर 2019 को रिलीज़ करने के लिए, लेकिन नानी स्टार और गैंग लीडर फिल्म थी उसके साथ ये फिल्म क्लेश हो रही थी, जिस वजह से फिल्म को बाद में 1 वीक पोस्टपोन करना पड़ा और उसके बाद फिल्म को 20 सितंबर 2019 2019 को फाइनली रिलीज़ किया गया था, जहां पे फिल्म करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ रिलीज़ की गई थी और बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन करके दिखा दिया था। इसी के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट का टैग ले गई थी। इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए हुए थे गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने, जिन्होंने रिलीज़ के वक्त ही फिल्म के राइट्स खरीद लिए थे और बाद में फिल्म को उन्होंने डब करवा दिया और उसके बाद अब वो ढिंचाक चैनल पर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले, जहाँ पे 6 मार्च 2022 को रात को 8 बजे के टाइम पर रविवार के दिन इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि गड्ढलकोंडा गणेश के ही नाम से रिलीज करने वाले। इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि नाम दिया गया था, लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया। इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया था तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, जहां पे क्रिटिक्स ने वरुण तेज की परफॉर्मेंस काफ़ी सराहना की गई थी। वो अभी तक एक चॉकलेट बॉय वाला किरदार प्ले करते हुए नजर आ रहे थे, सॉफ्ट बॉय का किरदार प्ले कर रहे थे, अचानक एक गैंगस्टर में ट्रांसफॉर्मेशन वाला रोल देखने को मिला। वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया था। फिल्म में कुछ कॉमेडी थी जो लोगों को थोड़ी ज़्यादा फोर्स की हुई नज़र आ रही थी, जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़े मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर एक बढ़िया हिट का टैग ले गई थी। इस फिल्म ने जिस फिल्म का रीमेक किया हुआ है यानी कि जिगर ठंडा, उसके बारे में बात करें तो जिगर ठंडा, जिसका मीनिंग होता है कोल्ड हार्टेड, जो 2014 की तमिल लैंग्वेज एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कार्तिक सुब्बराज ने। ये फिल्म अ डर्टी कार्निवल से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म का काफ़ी सारी लैंग्वेज में डब वर्जन निकल चुका है और रीमेक वर्जन भी निकल चुका है, जहाँ पे तेलुगु डब वर्जन 2016 में चिकड्डू दुक्कड्डू के नाम से रिलीज़ किया गया था। साथ ही में कन्नडा में रीमेक किया गया था सेम टाइटल के साथ 2016 में। उसके बाद 2019 में गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था। उसी के साथ हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से 2022 में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म आने वाली है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ कार्तिक सुब्बराज ने। स्टोरी आइडिया, स्क्रीन प्ले, वो सभी चीज़ें भी उनकी ही थी। प्रोड्यूसर्स काथिरेसन ने इस फिल्म को SMS पिक्चर्स सॉरी ग्रुप कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था और SMS पिक्चर और कल संगम फिल्म्स के नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको सिद्धार्थ, बॉबी सिम्हा और लक्ष्मी मेनन देखने को मिले होंगे। उनके अलावा करुणाकरण, गुरु सोम सुंदरन, आदुकलाम नरेन, सौंदरराजन, रामचंद्र दुराईराज, सेंथिल कुमारन, सांगिली मुरुगन, बाला सिंह, थेनावल, दिल्ली गणेश, सुधा जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिले होंगे। इस फिल्म को डेवलप किया गया था 2013 में अनाउंस किया गया था। उसके बाद में फिल्म को एक के बाद एक चीज़ अनाउंस की गई थी, कास्टिंग भी तभी की गई थी और उसके बाद फिल्म की 21 नवंबर 2013 तक प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी और उसके बाद में फिल्म को 2014 एंड तक कंप्लीट करवा लिया गया था। और उसके बाद इस फिल्म में जो गाने को कंपोज किया गया था वो टोटल गाने थे 9, जहाँ पे 9 बैकग्राउंड स्कोर थे। इसके अलावा 5 टोटल सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे फिल्म का जो साउंड ट्रैक है वो बढ़िया तरीके से हिट साबित हुआ था और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी काफ़ी सारा सराहना मिली थी। रिलीज़ के बाद फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस दोनों की तरफ से हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और उसके बाद इस फिल्म को जब बाहर देश रिलीज़ किया गया वहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था। कुछ चीज़ों के चलते फिल्म ज़रूर डिले हुई थी रिलीज़ के वक्त, लेकिन उसके बाद जब एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिस वजह से फिल्म लोगों को काफ़ी सारी पसंद आई थी। जिगर ठंडा फिल्म के जो तमिल और सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए थे स्टार विजय ने, यानी कि स्टार विजय के चैनल पर यह फिल्म आपको टेलीविज़न पर तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी और इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास, जिन्होंने जिगर ठंडा फिल्म को सेम नाम के साथ वहाँ पे अवेलेबल करवाया हुआ है विथ इंग्लिश सबटाइटल और वो फिल्म आप बिल्कुल फ्री में वहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से इस फिल्म को सभी प्लेटफॉर्म पे ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ है। इस फिल्म ने करीबन 25 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड रन लिया था तब उस टाइम में 46 करोड़ के आसपास 2014 में ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और एक 2014 की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी, जिस वजह से जिगर ठंडा फिल्म एक अच्छी खासी क्लासिकल कल्ट क्लासिक फिल्म में शामिल हो गई थी, जहां पे मीडियम स्टार कास्ट के साथ भी फिल्म अच्छा खासा वर्क कर गई थी। जिगर ठंडा फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन राइट है वो भी बेच दिए गए थे, जिसको खरीदा हुआ था एशियन मीडिया ने। फिल्म की डबिंग भी उन्होंने 2019 तक शायद कंप्लीट करवा ली थी। SPM Arts यानी कि एशियन मीडिया, जिन्होंने फिल्म को सेम नाम से सेंसर बोर्ड की तरफ से हिंदी डब वर्जन ने सेंसर सर्टिफिकेट भी करवा लिया था। और ये फिल्म टेलीविजन प्रीमियर के लिए तैयार थी, लेकिन तभी फिल्म के रीमेक राइट्स हिंदी में बेच दिए गए। बच्चन पांडे के नाम से जो 2022 में आपको रीमेक देखने को मिल रहा है, उसी की वजह से जिगरथंडा फिल्म की हिंदी डब वर्जन को रिलीज रोक दी गई थी। बच्चन पांडे के मेकर्स ने जिगरथंडा के मेकर्स को इस फिल्म को डब वर्जन में रिलीज करने के लिए मना किया गया, जिस वजह से एशियन मीडिया ने उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए फिल्म को पोस्टपोन पे रखा हुआ है। अब जब बच्चन पांडे 18 मार्च को रिलीज हो जाएगी, उसके बाद OTT पे अवेलेबल हो जाएगी। बाद में इस फिल्म को जिगरथंडा फिल्म को हिंदी डब वर्जन में टेलीविज़न और यूट्यूब पे अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो गडलकोंडा गणेश है वो एक और रीमेक है, वो गोलमाइंस वालों ने डब करवा के अब रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है, जो आपको 6 मार्च को रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे सेम नाम के साथ ढिंचा चैनल पे देखने को मिलेगी। उसके बाद ज़रूर यूट्यूब चैनल पे वो फिल्म प्रीमियर नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि ढिंचाक पे होने वाली फिल्में प्रीमियर होने वाली फिल्में गोलमाइंस वाले तुरंत प्रीमियर नहीं करवाते हैं। गड्ढलकोंडा गणेश फिल्म के जो लीड एक्टर्स है, जो कास्टिंग है, उसमें कौन से कैरेक्टर ने क्या रोल प्ले किया था उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। वरुण तेज जो गनी के रोल में दिखाई देते हैं, जिसका पूरा नाम है गड्ढलकोंडा गणेश। अथर्वा जिन्होंने अभिलाष यानी कि अभि का रोल प्ले किया हुआ है। पूजा हेगड़े जो श्रीदेवी यानी कि देवी के रोल में दिखाई देती है। मृणालिनी रवि जिन्होंने बुजम्मा का रोल प्ले किया हुआ है। सुप्रिया पाठक जो गड्ढलकोंडा गणेश की मां के रोल में दिखाई देती है। ब्रह्मा जी जिन्होंने मुनि माणिक्यम के एक एक्टिंग कोच का रोल प्ले किया हुआ है। प्रदीप जो अभी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं। सरस्वती जो अभी की मां के रोल में दिखाई देती है। देवी प्रसाद जिन्होंने अभी के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है। सुब्बा राजू जिन्होंने प्रभाकर के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है। अन्नपूर्णा जो गनी की सेफ के रोल में दिखाई देते हैं। दानिकेला भरानी जिन्होंने थिएटर ऑपरेटर का रोल प्ले किया हुआ है। सत्या जिन्होंने चिंतकाई यानी कि अभिलाष के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। राजा रविंद्र जिन्होंने नलमुद्दू बाबजी का रोल प्ले किया हुआ है। रघु बाबू जिन्होंने फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा प्रभा श्रीनु जो आपको बलिया के रोल में दिखाई देंगे। शत्रु जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है। अप्पाजी अंबारीसा दरबा जो श्रीदेवी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं। ब्रह्मानंदम नितिन सुकुमार इनका एक गेस्ट अपीयरेंस कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलेगा। डिम्पल हयाती जरा जरा सॉन्ग में आइटम नंबर दिखाती हुई नजर आएंगी, अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएंगी। तो इस तरह से इन सभी आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है, इन सभी कैरेक्टर को उन्होंने निभाया हुआ था। स्टोरी की बात करें तो अभिलाष यानी कि अथर्वा एक अपकमिंग डायरेक्टर है, जो एक बड़ी फिल्म बनाना चाहते हैं विथ एनी कॉस्ट, और इसके लिए वो डिसाइड करते वो एक क्रिमिनल बेस्ड फिल्म बनाएंगे और उसके लिए एक कहानी के सर रिसर्च में निकल पड़ते हैं। और उनका सामना होता है गड्ढलकोंडा गणेश यानी कि वरुण तेज से, जो एक ब्रूटल क्रिमिनल है, और उनके बारे में जानने के बाद वो फिक्स करते हैं कि उनके ऊपर एक फिल्म बनाएंगे, उनके नज़दीक जाकर उनके बारे में जानेंगे और साथ ही में कहानी के ऊपर पूरी डिटेलिंग लेंगे और इस फिल्म को वो डायरेक्ट करेंगे। लेकिन एक पॉइंट के बाद वो सभी चीज़ें वो गड्ढलकोंडा गणेश के सामने रिवील करता है। गड्ढलकोंडा गणेश इस फिल्म के बनाने के लिए राजी तो हो जाते, अपनी लाइफ की कहानी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए राजी तो हो जाते, लेकिन वहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जहाँ पे गणेश डिमांड करता है कि वो इस फिल्म में हीरो का रोल प्ले करेगा। तो अब बाकी की कहानी यही है कि अभिलाष किस तरह से इस डेडली गैंगस्टर को हैंडल करता है, फिल्म को किस तरह से फिनिश करता है, वो सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी बनाई गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि हरीश शंकर जिन्होंने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है, उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी एक्टर्स को यूज़ किया हुआ था। जिस तरह से वरुण तेज के किरदार को उन्होंने शोकेस किया हुआ है, वो काफ़ी सुपर्ब मैनर में उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। फिल्म में एक गैंगस्टर का लुक, उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस उनके पास बेहतरीन वे में निकलवाई हुई थी। उनकी जो चेंजेस देखने को मिलते हैं डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज में, उसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी। साथ ही में फिल्म में कुछ बेसिक इमोशंस की थोड़ी बहुत आपको कमी नजर आएंगी। कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थोड़ा वीक नजर आएगा। फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंथी नजर आएगा। थोड़ी जगह पे हरिशंकर आपको अपनी ग्रिप लूज होते हुए नजर आएंगे प्रोसीडिंग के टाइम सेकंड हाफ में। लेकिन बाकी जो एक अच्छा एलिमेंट होना चाहिए, गुड मास एलिमेंट, फनी एलिमेंट, वो सभी चीज़ें वो भरपूर तरह एड करते हुए नजर आते हैं। इस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से वरुण तेज को एक मेकओवर किया हुआ था, उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सॉफ्ट गाय से एक हार्डकोर क्रिमिनल के रूप में, वो बेहतरीन था। उसी वजह से फिल्म पूरी तरह से एंगेजिंग नजर आती है। फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे, वीटी डायलॉग्स सुनने को मिलते, कुछ कॉमेडी पंचेस थे, वन लाइनर्स थे, उसको बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था। हरीश शंकर ने ओवरऑल वरुण के किरदार को अच्छी तरह से लिखा हुआ था। उनकी डायलॉग डिलीवरी सुपर्ब थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज अमेजिंग थी। अथर्वा मुरली जो आपको एक डिसेंट डेब्यू करते हुए नजर आएंगे, उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम निभाया हुआ है। उन्होंने मिकी जे मेयर उन्होंने जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है एक डायरेक्टर, अपकमिंग डायरेक्टर के रोल में, उसमें वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे हैं। अपने परफॉर्मेंस के साथ वो फिल्म में एक अलग इम्पैक्ट छोड़ते हुए नजर आते हैं। मिकी जे मेयर जिनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी टॉप नॉच वाला था, उन्होंने बढ़िया तरीके से फिल्म को सपोर्ट का हो ऐसा बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था। फिल्म का जो माहौल है, जो जोनर है, उसके हिसाब से बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट हुआ था, जो फिल्म को एक अलग लेवल पे एलिवेट करने में कामयाब हो रहा था। इस फिल्म में कॉमेडियन सत्या आपको देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपना रोल काफ़ी हिलेरियस वे में निभाया हुआ है। उन्होंने जिस तरह से अपने कॉमेडी सीक्वेंस को डिलीवर किया हुआ है वो सुपर्ब। पंचेस आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ब्रह्मा जी जो टीचर के रोल में काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने क्रूशल पॉइंट पर अपना काम दिखाया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया है। फिल्म के क्रूशल पॉइंट पर उनका रोल आता है और वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहती है। उन्होंने जितने भी वन लाइनर्स डिलीवर किए हुए, अपने कॉमिक पंचेस को कॉमिक टाइमिंग जिस तरह से डिलीवर किए हुए, वो काफ़ी बढ़िया थी। वो फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट्स देने में कामयाब रहती है, वहाँ पे आप ज़रूर हंस पड़ोगे। पूजा हेगड़े फिल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी, दिखने में काफ़ी गोर्जियस और सिंपल नज़र आ रही थी। वो श्रीदेवी का रोल प्ले कर रही है। फिल्म में उनका रोल जितनी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना जो वक्त है वो एड किया हुआ था। अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू उन्होंने अपना टैलेंट ज़रूर दिखाया हुआ था। हाँ, उनका एक गेस्ट रोल बोल सकते, रोल छोटा था, लेकिन जितना भी काम था उसमें वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी। सुप्रिया पाठक जो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने माँ का रोल प्ले करते हुए नजर आती है। राजा रवि को एक अच्छा रोल मिला हुआ था, अपने अच्छे रोल के साथ वो एक नीट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते। फर्स्ट हाफ को बढ़िया तरीके से स्टेब्लिश किया हुआ था डायरेक्टर ने, जहाँ पे वरुण के किरदार को अच्छी तरह से एक रेटेड क्रिमिनल के तौर पे हमारे सामने पेश किया हुआ था। वहाँ पे बढ़िया मसाला एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में उन सभी सीक्वेंस के साथ अच्छी अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिलती है। इस फिल्म को तेलुगु वर्जन के हिसाब से तमिल वर्जन से थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए नज़र आएंगे, जहाँ पे कुछ कॉमेडी सीक्वेंस है, कुछ चीज़ें जो फिल्म को अलग करे हुए जो तेलुगु नेटिविटी है उस हिसाब से चेंज किया हुआ है, लेकिन वो सभी चीज़ें अच्छे वे में जाती है। इस फिल्म की लेंथ थोड़ी ज़रूर बड़ी है, जहाँ पे हरीश शंकर फिल्म को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन उसको इस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम ले लेते। इसके बाद सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें, उसकी प्रोसीडिंग बढ़िया नहीं थी, इमोशंस की कमी थी, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे क्लाइमैक्स में जिस तरह से एड की हुई थी वो फोर्सफुली एड की हो ऐसा नज़र आ रहा था। पूजा हेगड़े का जो ट्रैक है वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन सीन्स थे, लेकिन उन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी ऐसा नज़र आ रहा था। उसे आसानी से क्रिस्प किया जा सकता था। अथर्व और वरुण तेज के बीच में जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन थे उसको और एंटरटेनिंग मैनर में दिखाया जा सकता था, तो ये कुछ एक दो चीज़ें उसको सुधारा जा सकता था। ओवरऑल फिल्म में जो मास एलिमेंट है, वरुण तेज का जो मेकओवर है, जो फिल्म की स्टोरी लाइन है, जो इंटरवल ब्लॉक है, जो कॉमेडी सीक्वेंस है, इन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने काफ़ी बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ है। तो गड्ढलकोंडा गणेश फिल्म एक अच्छी मास ड्रामा फिल्म है, जहाँ पर बढ़िया तरीके से आपको मास एलिमेंट्स के थ्रू एक प्रोसीडिंग देखने को मिलती है। जो परफॉर्मेंसेस है वो शानदार देखने को मिलती है। जिस तरह से ये जो कैरेक्टर बनाए हुए वो बढ़िया है। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलती है। बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिलते हैं। इसके अलावा एडिटिंग को थोड़ा कम किया जा सकता था, फिल्म को 15-20 मिनट छोटा किया जा सकता था। ओवरऑल फिल्म की एडिटिंग भी बढ़िया है, प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छी थी, फिल्म के लिरिक्स अच्छे थे, डायलॉग्स बढ़िया थे, साथ ही में जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफ़ी टॉप नॉच की थी, जिस वजह से स्क्रीन में हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी। तो ये ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है जिसे ज़रूर देखा जा सकता है। अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन ज़रूर फुलफिल हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है। ये रीमेक ज़रूर है, लेकिन एक अच्छा रीमेक है जिसे ज़रूर देख सकते हो। तो इस फिल्म को अगर आप तेलुगु वर्जन में देखना चाहते हो तो गड्ढलकोंडा गणेश के नाम से इसको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल करवाया हुआ है, जहाँ पर इस फिल्म को आप ज़रूर इन्जॉय कर पाओगे। गड्ढलकोंडा अकाउंट अगेंस्ट के नाम से डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने उनकी वेबसाइट पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। तो वहाँ पे आपको विदाउट सब्सक्रिप्शन ये फिल्म तेलुगु वर्जन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है जिगरथंडा, वो भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने ही खरीदा हुआ है और वो जिगरथंडा फिल्म भी तमिल वर्जन में अवेलेबल की हुए डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल वो फिल्म भी आप इंजॉय कर पाओगे। तो गड्डलकोंडा गणेश और जिगरथंडा दोनों तमिल और तेलुगु वर्जन आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे। जहाँ पे अब बात करें हिंदी डब वर्जन की, तो फिल्म को पहले तो वाल्मीकि के नाम से डब करके रिलीज करने वाले थे, लेकिन अब नाम फिर से चेंज हो चुका है जिसको ओरिजिनल नाम दे दिया गया है गड्डलकोंडा गणेश। अब गोल्डमाइंस वालों ने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए और उन्होंने ही इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स भी खरीदे हुए। तो ये फिल्म आपको पहले सैटेलाइट चैनल ढिंचाक पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे फिल्म का जो पहला वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर है वो है 6 मार्च रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक टेलीविजन चैनल पे सेम नाम के साथ। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि गड्डलकोंडा व गणेश का पहला हिंदी डब वर्जन टेलीविजन प्रीमियर 6 मार्च 2022 रविवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे ढिंचाक चैनल पे देखने को मिलेगा और उसके बाद इस फिल्म का यूट्यूब प्रीमियर ज़रूर होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। इस फिल्म का यूट्यूब प्रीमियर करीबन काफ़ी समय के बाद, क्योंकि ढिंचाक पे प्रीमियर होने वाली फिल्म में गोलमाइंस वाले तुरंत उनके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल नहीं करवाते हैं, लेकिन जब कभी भी इस फिल्म का ऑफिशियल यूट्यूब प्रीमियर होगा तो वो गोलमाइंस के ही चैनल पर करवाया जाएगा, जहाँ पर ये फिल्म आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा सैटेलाइट चैनल ढिंचाक के ऊपर इस फिल्म को बारी बारी से प्रीमियर करवाने ही वाले, जहां पे इस फिल्म को आप ज़रूर एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से सभी वर्जन यानी कि तमिल, तेलुगु, हिंदी डब और साथ ही में हिंदी वर्जन जो बच्चन पांडे नाम से 18 मार्च को आ रहा है, इन सभी तरह के जिस तरह से मैंने बताया उन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख सकोगे। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतनी ही अपडेट थी। इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने आपको शेयर कर दी है। फिल्म का प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी एनालिसिस, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत, ओवरऑल फिल्म का रिव्यू, डीप रिव्यू मैंने करके दे दिया है। साथ ही में फिल्म का तमिल ओरिजिनल वर्जन, तेलुगु रीमेक वर्जन, हिंदी डब वर्जन, हिंदी रीमेक वर्जन, ये चारों वर्जन कहाँ पे आपको फ्री में ऑफिशियली कौन से प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे, किस तरह से आप इंजॉय कर पाओगे, उसके ऊपर भी मैंने डिटेलिंग दे दी है। तो वीडियो यहीं तक था। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।